हर एक साइंस में डिफरेंट डिफरेंट हस्तक्षेप हो। जैसे प्लास है हमारे पास, तो पेच का साधन थोड़ा है, तो सबका अलग अलग यूज है ना। उस तरह से अपने ज्योतिष में भी एक और हमारे पास हस्तक्षेप है, एंड दैट इज प्रश्न ज्योतिष। जैसे कार के अंदर में चार आदमी जा रहे हैं और उन सबका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सपायर होता है, तो क्या उन सबके डीबीए में? हाँ जी, सबके डीबीए के अंदर वो उसका होगा ना एक्सीडेंट का। ये जरूरी नहीं है कि पायलट का एक्सीडेंट का है, बाकियों का नहीं है तो बाकी भी मारे जाएंगे, ऐसा थोड़ा होगा। सर तो आपकी आवाज मैंने बंद कर दी, सॉरी, आप दोबारा बोलो। करो, सभी के प्लॉटो चलेगा क्या डीबीए के अंदर? सभी हाँ सर, सभी का एक्सीडेंट हुआ ना, मैंने जो आपको दे दिया। होगा। हाँ सभी का ही होगा ना, ये तो मैं नहीं चला रहा तो मैं बैठा हूँ, एक्सीडेंट अगर मैंने जो एक्सीडेंट आप कार से या भाई जैसे तो रिलेटिव होता जो एक्सपायर हो रहे हैं उनके प्लूटो है टीवी में। है। हाँ वो प्लूटो तो है, करेक्ट प्लूटो है। मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा था वापस ठीक है। से। मैं जा रहा हूँ पार्क में, बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, मेरे को बॉल लग गई, एक्सीडेंट आया। होटल में बैठा हूँ, होटल में आग लग गई, एक्सीडेंट आया। ताज होटल में गए थे हम, मतलब लोग गए 26/11 में मर्डर हो गया। कोई हो सकता है एक्सीडेंट से मर गया, एक्सीडेंट में मतलब वो डर के भागा और सीढ़ियों से गिर के मर गया हो, वो एक्सीडेंट आया। ठीक है ना, कुंभ के मेले में गए, भगदड़ मच गई, वो एक्सीडेंट आया। तो एक्सीडेंट जरूरी नहीं कि हम वेहिकुलर एक्सीडेंट है, देयर कैन बी मेनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, बट हमने ट्राई भी किया, जब हम पढ़ते हैं तब ज्यादा कुछ नहीं रहती है कि किस टाइप ऑफ एक्सीडेंट निकालेंगे, आग से होगा, लेकिन हम निकाल नहीं पाए। जैसे पानी में डूब के मरा, आग आग से मरा, उस समय मेरठ में एक बार आग लगी थी, आपको याद हो? मेला था, मेले वो टेंट में मेले लगते थे, याद है? याद है? नहीं, नाइन्टीज की हो गए यार, 12-13 साल हो गए यार, 12-13 साल हो गए, तो याद नहीं रहता। 17 है, 18 है, 12 है, प्ले ग्राउंड में लगा था, वो टेंट ही जल गया था, काफी लोगों की डेथ हुई, वो भी एक्सीडेंट था। अच्छा अब आ जाते हैं हम कि प्रश्न ज्योतिष, प्रश्न ज्योति जो है वो हम क्यों यूज करेंगे, उसका क्या बेनिफिट है और कहाँ पर प्रयोग है। जैसे हो गया पहले वाय, ये प्रश्न है ना, क्यों यूज करेंगे, और उसको नॉट अवेलेबल, जैसे आपके केस में वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, एक ही बात हम इसी में ले लेंगे, नहीं समझ में आ रही तो भी क्या करें। दूसरा है स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये हम ज्योतिष से नहीं निकाल पाते, जन्म पत्र चलो स्पेसिफिक क्वेश्चन है जी, खो गया है कब आएगा। नहीं, वो उसकी बात मैं अभी करूंगा, लेकिन इसकी कैटेगरी में नहीं आ रहा वो, ये कैटेगरी दूसरी है, कैटेगरी की बात, यू आर राइट, बट ये मैं कैटेगरी डिफरेंट कर रहा हूँ कि जैसे किसी बच्चे को आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया, तो वो दो किसी यूनिवर्सिटी में जाते मैं उसको मिल गया, तो कौन सी उसके लिए बेटर रहेगी। जन्मपत्री तो ये बताएगी कि इसका आगे एजुकेशन का टाइम अच्छा है या बुरा, लेकिन जन्मपत्री ये नहीं बताएगी कि ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ठीक है इसके लिए या दिल्ली यूनिवर्सिटी, इतने बता देता। यार दो डॉक्टर हैं किसके पास में जाऊं, ए या बी। ये पॉइंट भी आपका स्पेसिफिक हो गया, फिर ठीक है कि भाई माता जी को लेके गए, तबीयत खराब है, अब उनका सर्जरी है, तो दो डॉक्टर हैं, किससे सर्जरी कराएं बेटर है, किस डॉक्टर बताने। दो डॉक्टर हैं तो हाउ दैट दैट सॉफ्टवेयर विल लेट अस नो कि ये वाला डॉक्टर, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता यार, हम कर सॉफ्टवेयर तो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं ना, सॉफ्टवेयर ने क्या करना, सॉफ्टवेयर का काम कैलकुलेटिव पार्ट है यार, सॉफ्टवेयर ने कुछ नहीं करना, ये भी समझाऊंगा ना यार। ठीक है सर, ठीक है। तीसरा है कि मुंडेन क्वेश्चन,
मुंडेन में तो होता है ऐसा कोई इवेंट जिस पर बड़े सारे लोग को पे उसका असर पड़ता हो, कंट्री का को असर पड़ता हो, स्टेट को असर पड़ता हो, समाज को असर पड़ता हो, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन कोई ऐसा इवेंट हो जाए, क्वेश्चन तो उसी पे बेस्ड हो जाएगा। जैसे आप शिमला जा रहे हैं तो आपने कहा जी मैंने आज तक स्नोफॉल नहीं देखी, तो मैं जाऊंगा तो स्नोफॉल मेरे टाइम पे होगी नहीं होगी। अब हम आपकी जन्मपत्री से कहाँ से दिखाएं बताएं स्नोफॉल भाई, ठीक है ना। लेकिन जो स्नोफॉल है विल इफेक्ट पीपल इन शिमला अराउंड सराउंडिंग एरिया। इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा, इंडिया पाकिस्तान की युद्ध कब होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, हम जीतेंगे वो जीतेंगे, ठीक है ना, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब इनकी जन्मपत्री नहीं है ना हमारे पास, क्या एमसीडी यहाँ रोड बनाएगी, एमसीडी की कहाँ की पत्री लाए भाई, एमसीडी की पत्री लानी पड़ेगी ना, एमसीडी की पत्री कहाँ लाए, ये मुंडे ने क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन है ना सर, वो आपने कहा है जैसे एक बंदा कोई डेथ बेड पे है एग्जांपल, या आपका क्वेश्चन आया है कि भाई हमने देखा हमारे सामने एक जो मेरा बेटा है ऐसे वो गंगा जी में उसने स्नान करने अब पानी तेजी से आया वो बह गया, अब वो वापस आएगा नहीं, जिंदा आया मर गया, वही जो आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, वो हम उसकी जन्म पत्री से भी दे सकते। और ऐसे क्वेश्चन जो जैसे थेफ्ट कार चोरी हो गई, ज्वेलरी चोरी हो गई, ऐसे क्वेश्चन प्रश्न ज्योतिष से लेने पे बेहतर रहता है, इट विल गिव इंस्टेंट आंसर्स एंड मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज आंसर्स टू अंडरस्टैंड। ये भी आपको करके भी बताऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो आंसर आता है प्रश्न ज्योतिष में वो क्रिस्प आता है। क्रिस्प का मतलब क्या है, वही वाले कॉम्बिनेशन उठ के आएंगे, दूसरे आएंगे नहीं। जन्मपत्री में क्या होता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ होना, वो शादी भी होनी, बच्चे भी होने, प्रॉपर्टी भी होनी, ये वो सब आना। अब आपकी जन्मपत्री को हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अब कुछ कॉम्बिनेशन आधे अधूरे आएंगे, क्योंकि पूरे आएंगे, जैसे आपने प्रॉपर्टी ली भी तो अभी थोड़ा पैसा जमा करा दिया, फिर छह महीने बाद करा दिया, फिर साल बाद करा दिया, तो कॉम्बिनेशन टूटे भजे से आएंगे, समझने में मुश्किल हो जाएंगे, है ना। प्रश्न जो होते हैं क्रिस्प आता है, बिल्कुल सीधे वो कॉम्बिनेशन दिखते हैं, करेंगे लिटिगेशन पर्सपेक्टिव से भी ये क्या सर देख तो हम सब कुछ क्लियर, जैसे आपका आपने लिटिगेशन जो आपकी जन्मपत्री में देखते हैं वही हम आपकी प्रश्न चाहे आपके पास हॉरोस्कोप है या आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है, सारे भी प्रश्न जो ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एक तो बात ही जो आपने पूछा मैं क्या लिटिगेशन लिख सकता हूँ, ईयर पता लग सकता है, पता चल जाएगा, ठीक है ना, अभी करेंगे तो पता चलेगा। दूसरा हो गया कि उसका उसके अलावा जो चीजें हैं जो हम जन्मपत्री से नहीं करते, जो जन्मपत्री में कर सकते तो वो भी कर सकते, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो जन्मपत्री से नहीं कर सकते, तीसरा मुंडेन क्वेश्चन हम नहीं कर, तीसरी मैंने बात की जो मैंने लिखी नहीं विच इज मोर प्रेफरेबल टू डू, लाइक आपका गोल्ड चोरी, अब आपकी जन्मपत्री से पता चलेगा नहीं चलेगा मैं जानता नहीं, इसमें मैंने समझी आपके एक वाइफ का एक बुंदा ही हो गया वो जन्मपत्री में कहाँ लिखेगा, तो वो प्रश्न ज्योतिष में मतलब कहने का मतलब है जो चीज आप फंसे ये काम आ जाएगी हमारे को, ये हमारे को काम आएगा, ठीक है। एक हो गया इवेंट पॉसिबल टू हैपन इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, इवेंट पॉसिबल टू हैपन इन शॉर्ट टाइम, कहने का मतलब यह है कि भाभी जी हैं समझ लो वो मायके गई है, अब वो 10 बजे रात को निकली अपनी कार पे और मायका जो है घर से कोई 25 मिनट दूर है, वो पहुंची नहीं है घंटे में,
फोन किया, मैं चल चुकी रात 10 बजे चली थी, अब 11 बजे तक आई नहीं, तो आपको तो दिल में यूं होगा ही पता नहीं कब आया। तो आपने फोन करोगे क्योंकि अभी तक क्यों नहीं आई, तो फोन स्विच ऑफ है, तो फिर ये काम आएगा हमारा। इट इज मतलब पहला तो यही है कि वो छोटा टायर पंचर हो गया, जाम हो गया, और जैसे अभी जाम हो गया रात की शादी आजकल होती है जाम, तो ये होगा बट अगर कोई खोज खबर नहीं लग रही तो फिर ये हमें पता चल जाएगा कि वो कब तक नहीं आएगी, या कब तक नहीं आएगी अपना बोतल अभी करते ना यार, अभी ऐसे उतर नजर देखते रहे क्या क्या करते करके बैठे यार। अब इसका तरीका क्या, ये चार चीजें जो हमें को काम आएंगे, जिस वजह से जो जहां पर हम जो और उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न जो इसका हमको सारा मिल जाए, इससे हमारे उत्तर आए। अब आ जाते हैं कि इसको करेंगे क्या कैसे, ठीक है। आओ फोर्स वाला समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर 3 एंड नंबर 4, क्योंकि आपने जो एग्जांपल दिया वो भी मुझे लगता है कि वो मंडेन क्वेश्चन है। कौन सा, कि बीवी मेरी कब तक आएगी, मंडेन क्वेश्चन। हाँ जी, उससे बाकी लोगों को क्या फैमिली के, बट ओवरऑल मेरी बीवी मेरे घर में कब आएगी, उससे मेरे पड़ोसी को क्या लेना, ठीक है ना। लेकिन शिमला में अगर बर्फ गिरी तो वो पूरे शिमला पे गिरेगी, मेरे कहने का मतलब यह सड़क बनती है तो जो हमारे घर के सामने, तो पूरे मोहल्ले को फायदा होगा। इंडिया के में इंडिया का क्या पाकिस्तान से वॉर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये पूरे दो कंट्रीज पे और पूरे वर्ल्ड पे फर्क पड़ेगा ये। लेकिन मेरी बीवी कब तक कब आएगी कब नहीं आएगी, मेरा बच्चा स्कूल से निकला है 2 बजे और नॉर्मली वो 3 बजे पहुंच जाता है, और अब 2 बजे से निकला है 4 बजे तक नहीं पहुंचा, उसको मेरे से इसका मेरे को पूरा स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया। इसका मतलब नंबर 3 और नंबर 4 में डिफरेंस ये है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे है, दूसरा एक सोसाइटी के लेवल पे। नहीं, दूसरा एक है सर, इसमें जो इवन पॉसिबल टू हैपन शॉर्ट टाइम में, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होता 50 साल बाद, अभी हम लगाए उस 50 साल बाद आंसर क्या मालूम। देखिए शॉर्ट टाइम इंटरवल का मतलब है, अभी आपने सवाल पूछा उस बीवी, आपने अभी सवाल पूछा अभी घंटी बजे अभी बीवी आया, ये विद इन सेकेंड्स की बात से लेकर आवर की बात, विद इन अ डे। थैंक यू सर। अब ये हाउ, कैसे करेंगे इसको, सबसे पहली जो है कि इसके जो ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिख रहा हूँ हाउ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हमने ये नहीं किया तो फिर जो है बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ इट इज सो इजी टू प्रिडिक्ट प्रश्न जो होते, तो सबसे बढ़िया मैं ये सारा जो सवाल उठा रहा हूँ सारे सवाल बिता रहा है, मैं बस ये देखूँ रिलायंस का शेयर कब उठेगा, कब उठेगा, ये मैच कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पैसे वही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई अभी तक क्या पता चल रहा है, कमाल कर अभी तो मेरे से बात करी तूने। अच्छा मैं फिर भूल गया, मैं इतनी देर में कैसे भूल गया। नहीं नहीं भाई, 2004 आपने पहले भी शायद किया था मैगनेट का,
ये कुछ भी नहीं है। अगर प्रश्न ज्योतिष से हम ये सारे उत्तर देते हैं तो सबसे आसान है ना, ये सारा कुछ गेम खत्म करेंगे, सीधा यही पता करेंगे आए रुपए और डॉलर का क्या प्राइस रहेगा, आज ये आईपीएल कौन जीतेगा, ठीक है ना, ये तो बड़ा आसान है। फिर पैसे कमाओ और अपना, मैं भी कोई ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, काम खत्म करो। मैं ये इतने रुपए में क्यों पढ़ाऊँ आप, कम से कम एक मतलब 10-20-50 लाख करोड़ रुपए में क्यों ना कमाऊँ पढ़ाऊँ, तो मैं करोड़ रुपए में आपको पढ़ाऊंगी क्यों, तो करोड़ रुपए तो मैं वैसे दिन में कमा लूँ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन शुड बी सीरियस और उसमें आपको कोई ना कोई दर्द होना चाहिए, तब क्वेश्चन होता है ठीक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पहली बात ये। और ये इसका मैं अभी जो मैंने क्वेश्चन उठाया इसका मैं अभी आंसर करूंगा, मैंने अभी आंसर किया जो मैंने कहा ना सट्टे पे कमा सकते हैं, मैंने क्वेश्चन भी उठाया लेकिन उसका मैंने अभी आंसर नहीं दिया, मैं उसका आंसर दूंगा। दर्द होना चाहिए का मतलब यह है कि ये प्रश्न का उत्तर तभी ठीक आएगा, अगर नहीं आएगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब है जैसे आपकी मदर बीमार, तो किसने जाना जोशी की बात, आप इस तरह मत सोचो कि आप जोशी हैं आपने निकाला, आप सोचो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इफ सच अ थिंग हैपेंस, योर मदर इज हैविंग अ हेल्थ प्रॉब्लम, यू आर नॉट गोइंग टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर। एस्ट्रोलॉजर की बात कब आती है, जब आपकी माता जी 2-3 डॉक्टरों को दिखाने के बाद ठीक नहीं होती, ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। इस तरह से बच्चा नहीं पढ़ता, आपने कई टीचर लगा के देख लिए, फिर आपने कहा देखो यार इसकी जिंदगी में पढ़ाई तो है या नहीं, बेटी की शादी होनी है किसी ने नहीं आना जोशी के बाद, उसने पहले भारत मैट्रिमोनी .com शादी.com इधर लिखवा, तो इसको हमने वैसे ही ट्रीट करना है। अगर वैसे आता है सवाल तो आएगा आंसर, ठीक हाँ ये जरूर है, जैसे अभी आपकी कार्ड चोरी हो तो देन यू हैव नॉट टू वेट फॉर मंथ्स, देन यू हैव टू क्वेश्चन इट इमीडिएट, तो इमीडिएट का ही क्वेश्चन है, तो निकल ही जाएंगे। तो पेन होना चाहिए तब उसका उत्तर है, अगर हम यूं कर अगर यूं करने लग गए, जो मैंने अभी सवाल उठाया था कि रिलायंस का शेयर कब ऊपर जाएगा, तो फिर तो इसका मतलब है कि इसका अगर उत्तर हमेशा ही ठीक आता है, which I am saying it is nearly 100% correct। अभी आपको समझ भी आएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो फिर जो है, तो मेरी अगर जन्म पत्री नहीं बताती करोड़पति अरबपति होना, तो फिर प्रश्न ज्योतिष कैसे मेरे को कर देगी, इट मीन्स वो जो मेरी बेसिक हॉरोस्कोप को ही वो डिनाई कर देगी, वो नहीं हो सकता। मेरी अगर बेसिक हॉरोस्कोप कहती है यू आर अ मिडिल क्लास, ठीक है 5-10% ऊपर नीचे इज ओके, तो अभी जो है ना मिडिल क्लास होंगे, ये नहीं हो सकता कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब अगर ऐसा होने लग जाएगा तो ये भी रूल है, सट्टा खिलाने वाला जीतता, सट्टा खेलने वाला भी नहीं जीतता। तो जितने भी ये आईपीएल है, ये आईपीएल सट्टा बजाएगी, आप लोग आईपीएल के अंदर इतना पैसा लग रहा है, जितनी रात से टिकट बिक रही है मुझे नहीं लगता कि वो पैसे पूरे होते हैं, क्योंकि टिकट आप बंदे गिन के देख लो, हिसाब लगा लो, कोई तरीका नहीं है इसका, मतलब पैसा तो कहीं और से आ रहा जा रहा है, ये गेम तो सर ड्रामा बनाया गया, ये खेल रहे हैं 150-200 रुपए की टिकट है, उसमें वो करोड़ों रुपए लग रहे हैं, वो लड़कियां वो घूम रही हैं, वो म्यूजिक वो एडवर्टाइजमेंट वो फलाना वो ठीक, इतना रुपया लग रहा है वो तो निकल नहीं रहा, फिर कहां से हो रहा, तो ये सट्टा बजा रही है अकेला। इस तरीके से कैसीनो है, घोड़े की रेस, शेयर मार्केट, ये सब ड्रामा, ये सब वीनस, ठीक है। तो क्वेश्चन शुड बी सीरियस, पहला ये है कि अब मैं ऐसे ही पूछ लूं कि जी बैठे बैठे सोनिया गांधी को क्या बीमारी है, मुझे क्या लेना भाई सोनिया गांधी को क्या बीमारी, फलाने की शादी का बोल वही बोल, मेरे को मेरी बेटी है या समझ लो आपको कोई समस्या है, मैं आपका मित्र, मुझे लग यार मेरा दोस्त बड़ा परेशान है, मैं बीजेपी का हूं, मुझे लगे यार इस बार बीजेपी जीत रही है, तो मेरा कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी सीरियस एंड पर्सन शुड हैव कंसर्न फॉर इट।
पूछ रहा है वो यही काम करने के लिए हमारे पास पूछना है, तभी उत्तर आएगा। मतलब क्या हो गया कि आप जानते हैं सर जी ज्योतिष, और शादी में गए हैं तो कोई आए पूछे कि भाई या मेरी बेटी की शादी हुई यार बता दो, उसका प्राइम कंसर्न क्या है, मैरिज में आना। अब उसको आपने बता दिया कि इनको ज्योतिष आती है, बोले यार आप उनको बता सकते हो, तो उसका ये वाला चीज तो पहला वाला तो ठीक है, तो क्वेश्चन ही सीरियस है, उसकी बेटी है और वो कंसर्न भी है, सीरियस भी है, बट वो स्पेसिफिकली उसके लिए नहीं आया। आया तो शादी अटेंड करने के लिए। तो सर अगर मैं कंसीडर करूँ यही वाला पॉइंट, फर्स्ट डे व्हेन आई कम टू यू, उस दिन मैं आया था मतलब बिफोर कमिंग मतलब गोइंग टू दिस एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए मैं इंक्वायरी करने आया, बट एट दैट टाइम आई आस्क्ड एजुकेशन क्वेश्चन आल्सो जो मेरे घर का था, तो उसने आपने दिया था कि यस दे विल सॉर्ट आउट द पेनल्टी इन दी, तो दैट मींस कि वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता। नहीं, पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं आपसे मिलने आया, दूसरा वाला ठीक नहीं है, हमने कर दिया बात अलग है, लेकिन आपको ये रूल फॉलो करते हैं। उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं कि रीजन नहीं, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, रीजन क्या है, पहला क्वेश्चन का तो मैंने रीजन दे दिया, दूसरा क्वेश्चन का मैं रीजन दे रहा हूँ। अब हमारी भी लिमिटेशन होती है ना, आपने क्वेश्चन पूछा, आप कुछ जानते नहीं, अब हम बोल रहे हैं दोबारा आना, तो उसको लगता भाई इसको भी ज्योतिष आती नहीं आती, डाउट खड़ा हो जाता। नहीं, वो बात बता रहा हूँ यार, आज तो वो कंसर्न नहीं है सर, आज तो कंसर्न नहीं, आज जो मेरे पास आ रहा है वो तो जानता है इसको, मतलब आज मतलब नाम हो गया मेरा, मैं आज से 25 साल 20 साल पहले जा रहा हूँ, तो वो फिर आदमी को लगा यार पता नहीं इसको आती भी है नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से मेरा भाषा की शैली है, वो जिस तरह से लोगों का माइंड सेट है, उस हिसाब से वो हमें ज्योतिषी नहीं लगता। सही कह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जहाँ बैठता हूँ यहाँ कोई वो भगवान की फोटो नहीं है, कोई धूप नहीं, कोई बत्ती नहीं, तो धूप बत्ती करते आपने मेरे को देखा नहीं होगा, कोई संस्कृत का श्लोक नहीं मैंने सुना होगा, वैसे मैंने दो चार अटैक हुआ बता रहा हूँ आपको, भाषा शैली वैसी नहीं है, कोई आपको लगता भाई हमारे जैसे आम आदमी है, ये डिफरेंट नहीं है, मैं अलग से कोई सिंहासन पर भी नहीं बैठता, सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, 99% दे देता हूँ, तो नॉर्मली जो एक आम जो चीजें नहीं मिलता, जो आप सवाल पूछेंगे नॉर्मली वो मंगेशरी में घुमा के फिर आपको लगेगा शायद मेरे को ही समझ नहीं आ रही, नहीं नॉर्मली आपको लगता मुझे समझ नहीं आती, इनको आता है लेकिन मैं ही अभी इतने मेरी बुद्धि कम है मुझे समझ, बट मैं उसी स्तर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिस स्तर पे आप सीख समझते हो, ठीक है, तो मेरा जो शख्सियत है वो किस तरह से ज्योतिषी नहीं लगती, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अब वापस आ जाते हैं, ही शुड कम टू आस्क दैट क्वेश्चन। अब इसको मेरे को उत्तर देना है ये कैसे, ठीक है ना, तो वो तरीका क्या होगा, आओ भाई पहले तो ये पहले तो जो दो रूल आपने अगर फॉलो कर लिए, मेन काम यहां से, नाउ लिसन टू द क्वेश्चन कैरेक्टरी, एंड अंडरस्टैंड इट, मैं उसके सवाल को वह बड़े ध्यान से सुनना समझना, जब तक वो सवाल पूछ रहा है हमें खुजली निकालनी, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो चीज समझ नहीं आ रही तो हम उसे पूछ सकते हैं, बात ठीक है, बट उसके बाद को समझना है, जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ाए हैं वही कॉम्बिनेशन जो है इसी में लगेंगे, प्रश्न ज्योतिष में भी कुछ खास लंबा जोड़ा फर्क, ठीक है सर, तो ये ना हो कि हमें सवाल समझना है, क्वेश्चन वो कुछ पूछे हम कॉम्बिनेशन दूसरा लगा लें, इसीलिए क्वेश्चन समझना है, मैं समझा रहा हूँ, जब मैं टीवी पे किया करता था पहले, तो हो गए बात को 19 साल, तो किसी का क्वेश्चन आया कि जी मेरे जो है मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, तो मेरे को बता दो कि मेरी मैरिड लाइफ ठीक कब हो, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो फिर उसको थोड़े से बातों में लगा रहे हैं, थोड़ी बात में मैं लगा रहे हूँ,
क्या बात कर रहे थे अब हमने कहा कि भाई हमको टाइम बिताना पड़ता थोड़ा सा भी तब मेरे पास लैपटॉप नहीं होता था ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं था sure. तो वो हाथ से हम बना के ले जाते थे sure. वो वाला शीट खोलनी पड़ती थी मेरे को कागज प्रिंट होते थे हाथ से लिखते हुए तो वो मेरे को कोरिलेट करने पड़ते थे मेरे को टाइम लगता था अब तो सिंपल है तब किया और सामने पहले वो तो कैलकुलेशन निकालनी पड़ती थी तो उसको थोड़ा सा बिजी करना फिर मार लो बात को थोड़ा सा घुमा लो लोगों को देखने में भी ठीक लगे ठीक है तो हमने कहा भाई क्या बात है झगड़ा रहता है बीवी से पता नहीं वो तो बड़ी अच्छी है मैं वैसे माता जी से रहता है नहीं माता जी तो उसको बेटी की तरह मानती है अब मेरे कंफ्यूजन ये सारा फिर तेरा मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम है तो मैं कहा भाई भाई बहनों से प्रॉब्लम है मेरी वाइफ को पता नहीं वो भी उसको बहन की तरह मानती तो मैं कहा फिर आपकी मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं ना एक्चुअली कई बार मेरे को होता है अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीद के ले जाऊं तो मेरे जेब में पैसे नहीं होते उतने तो मुझे बाजार में कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं खरीद नहीं पाता तो मैं आप ये पूछ रहे हो कि पूछना चाहते हो कि आपकी जो इनकम कब बढ़ेगी इतनी कि जिससे आप वाइफ को और इतनी देर से मैं क्या पूछ रहा हूँ उसी क्वेश्चन में दैट वे अब अगर उसने ऐसे कह दिया हमें उस पर रिएक्ट नहीं करना हमने तो उसका क्वेश्चन को समझना तो उसका क्वेश्चन था कि मेरी फाइनेंशियल हेल्थ कब सुधरेगी वो उसको सही तरह से प्रेजेंट नहीं करता ये नॉर्मली होता है व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड जैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं स्पष्ट कई बार नहीं कह पाता अपनी बीमारी समझा नहीं पाता वो तो खांसी है हाँ हुई थी जो आप पूरी तरह से दे नहीं पाते है ना तो इस तरह से हमें भी ऐसे समझना है कि वो हमें उसकी बात को समझने की कोशिश करनी है कि वो पूछना चाहता तो कॉम्बिनेशन वही है गुड मैरिड लाइफ के वही कॉम्बिनेशन बनेंगे जो तुझे 2, 7, 11, 5 लोग लेकिन गुड प्रोफेशन के क्या है 2-6, 10 तो अब ये 6-10 पॉजिटिव इसके क्वेश्चन के साथ से अब 6-10 पॉजिटिव नहीं तो हम 6-10 नेगेटिव मानते तो क्योंकि उसका क्वेश्चन इज अबाउट फाइनेंशियल क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द मैरिड लाइफ ऑल्दो ही इज स्पीकिंग तो हमें उस हिसाब से ये देखना है उसके सवाल को समझने की कौन से कॉम्बिनेशन मैंने देखना है जो हमारे पास जन्म पत्र बन के आएगी कि उसमें कौन से को पॉजिटिव माना है कौन से को नेगेटिव तो हम गलती कर जाते हैं तो इसलिए उसका क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी आजकल दुनिया बड़ी फास्ट है किसी के पास टाइम नहीं हमारे पास भी नहीं आपके पास भी तो पहले तो ये होता था लोग आते थे बैठते थे पत्री बनती थी लोग कहते पत्री बनाओ जाओ जी पत्री बनेगी तो टाइम पता होता था आजकल नहीं तो आजकल इतना भी मतलब है कि सीधा सवाल पूछ यार जवाब दो जा यार लोगों के पास सब पेशेंस भी कम है हमारे पास भी कम है पेशेंस तो कोई तो नॉर्मली अगर आदमी आता है ज्योतिषी के पास जो इसको पहले कभी नहीं जानता तो इधर उधर की बातें ज्यादा करता है ये साइकोलॉजिकल बात है इसमें कोई वो गलत या ठीक वाली बात नहीं है या वो आदमी गलत ठीक नहीं मतलब नॉर्मली आपके पास पहली बार आदमी आएगा ना तो यूं बोलेगा वो साढ़े पंडित जी से गया और सी पहले उन्हें को जानते थे और जी वो तो ब्याज ब्याज नाल चलते थे उन्हें कहता है इतने घोड़ी नहीं है घोड़ी तो पैर पहले राइट वाला पड़ेगा था चले ही घोड़ी ऐसी ऐसी बातें करेंगे सुन लेनी है उसको एजिटेट नहीं करना पहले आना है लेकिन बहुत दूर चला जाए तो नहीं हमारे पास भी फुर्सत कम है लेकिन उसको पोलाइटली कहना है उसको नाराज नहीं करना या उसके दिमाग को खराब नहीं करना क्योंकि वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रश्न ज्योतिष के अंदर जब वो सवाल पूछ रहा है तो उसका दिमाग उससे सवाल पे लगे उसका सवाल उसका दिमाग उसी सवाल करे और जब हमने उसके सवाल को समझ लिया इधर उधर की बातें सारी हो ली जब लास्ट में उसकी एक लाइन जो लास्ट की लाइन ही इम्पोर्टेंट है कि एंड में फिर मेरी बेटी की शादी करूंगी सारी बातें करते हैं जी बड़े देख रहे हैं जी भारत मैट्रिमोनी भी पाई जी 3 साल हो गए ने जी कुड़ी तो साड़ी सोनी है जी पढ़ी लिखी है कमांडी भी चल ऐसे करते हैं लोग बात एंड अमूमन बात एक क्वेश्चन तो लास्ट लाइन है ना तो सर जी फिर लड़की तो अच्छी है पूछना चाहते भाई ठीक है ना
तो क्वेश्चन तो वही है कि भाई ये शादी कब होगी, या फिर है कि लड़की है जी अभी शादी हुई है, सास ना बड़ी परेशान करती है जी, वो तो ठीक है भाई, फिर क्या करें, क्या सवाल, क्या सास कम मरेगी या रिलेशन का ठीक होगी, या ये मियां बीवी दोनों घर छोड़ के चले गए, सवाल तो बताओ तो फिर देखें। लेकिन हमें झगड़ना नहीं है उसको, आराम से उसको बात को समझ के उससे पूछ सकते हैं, सर ये सवाल आया, प्रेम से बात उसको समझा सकते हैं अपनी, क्या भाई उसके सवाल पे तो आओ, ठीक है ना, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट होगा। अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद एक डायरी बना लेनी है। अब जैसे 2019 की मिल जाएगी आपको, अभी कोई ना कोई पुरानी पड़ी हो, तो उसमें क्या करना है, डायरी में इधर लिख लेना एक, इधर लिख लेना दो, तीन, चार, पांच, ऐसे जो है आपको 125 पेज में इधर उधर, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2, 125 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 250 पेज है, 249 पेजेस, 249 नंबर लिख लेने हैं, पेजेस तो 125 होंगे, ठीक है। और उसको वो डायरी दे देनी है जो क्वेश्चन है कि भी इसमें से एक पेज निकाल दो, 249 नंबर से लेके 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7, ये होगा ना 1, फिर ये 2, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 9 तक कंटिन्यू। तो अब उसके बाद उससे पूछना है कि भाई ये जो है ये सफेद सफेद अभी करते हैं, अभी कर दो सारा बात है। तो अब जैसे ही हो गया, ये तो मैंने अलग कर लिया, जो 1 से 2 हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के लिए, तो जिसका आंसर विल नॉट बी वैलिड, तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसके हिसाब से कम कर दिया। जो सेकंड वाला जो है, पहला वाला भी अभी तो मैंने सोचा नहीं, वैसे ही सोच रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलना चाहिए, मैंने नहीं कहा, लेकिन ऐसा मुझे करना चाहिए कि हाउ विल बी माय नेक्स्ट पनिशमेंट एंड विल देयर बी फर्दर टाइम ट्रेवल फॉर मी। तो ये पेज आया 141। तो नॉर्मली आंसर क्या करेगा, ये पेज को ऐसे खोलेगा, नॉर्मली यूं खोलेगा, अगर दोनों तरफ प्रेशर बराबर है तो आपको पूछना पड़ेगा ये वाला पेज है ये वाला पेज। अगर उसने प्रेशर पूरा, अगर उसने एक तरफ लगाया प्रेशर, बात ठीक है, यही वाला पेज है, जिस तरफ वेटेज ज्यादा है, जिस तरफ प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर, सर आप इस किताब को ऐसे ही पेज निकालो जैसे मैंने निकाला, निकालो सही, बोलो कोई नहीं, बोलो ठीक है ना। अब आपने दोनों तरफ खोला, अब किस तरफ प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो ये वाला या ये वाला, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप यू खोलो तो आपने इसी को दबा दिया, ठीक है ना। ये भी हो सकता है आप यू खोलो, मतलब इसमें एक मिनट सुन लो, सुन लो ना, यू खोलो, ये तो मैं नहीं आपको कह सकता ना, आप कह सकते, तो वो खोलने वाला खोलेगा अपने तरीके, वो बोलेगा ये वाला, उसको तो पता नहीं ना मैं नंबर मांग रहा है, तो आपसे पूछेंगे ये वाला या ये वाला, कई बोलेंगे यूं ही रख करते हैं, नहीं खोलना मैंने काशी गड्ढी में, तो करके बोलते हैं काट दो, तो मैं नहीं काटता। सर आपका वीडियो, सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा, तो जी आप मेरे जो आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए। नहीं सर, नेटवर्क का इशू है शायद, ब्लर हो रहा है सर। सर मेरा ठीक आ रहा है, तो और किसी की कंप्लेंट नहीं है, तो फिर आपका या तो नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। अभी करेंगे, सभी करेंगे, सारी बात है, फोन पे भी होता है, ईमेल भी होता है, व्हाट्सएप सभी करेंगे ना, अभी भाई कई तरीके से हो सकता है ना, ठीक है ना। वो हमें उसको सीधी दें किताब, वो उसका उल्टी पकड़े और वो ऐसे निकाल के यूं कर दो, है ना, तो बताएगा वही इन केस वो यूं करता है,
तो हम उससे पूछेंगे ये वाला वो यूं करता है तो ऑब्वियसली यही हो गया, वो अब ये तो बराबर प्रेशर हो गया तो हमने पूछना है ये वाला या ये वाला, और कोई पॉसिबिलिटीज है? उल्टी पकड़ लेता है, उल्टी पकड़ लेंगे तो उल्टी निकाले वो, और कोई क्वेश्चन इसमें? प्रेशर का मतलब यह है कि ही इज चूजिंग अ नंबर। सर उससे ऐसे भी तो पूछ सकते हैं हम कि आपको कौन सा नंबर सही तरीके से पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन दीपक जी अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इसमें हम पेज की वेटेज नहीं देखेंगे कि किस तरफ पेज ज्यादा रहे, नहीं नहीं उससे बोलो, उससे बोलो पेज किस तरफ ज्यादा गया मतलब पेज से मतलब हमारा नंबर अभी क्लैरिटी और हो जाएगी। ये एक मेथड है, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ मेथड टू चूज द नंबर, जैसे दीपक जी भी कह रहे हैं। आपके सारे सवालों में जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, हम ऐसे करके कोई ऐसा गोला सा भी बना सकते हैं जिसमें हम ऐसे डिविजन कर ले, उसको कहते हैं कोई उंगली रख दे भाई ना, 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिख सकते हैं अपने टेबल पे जहाँ बैठे हैं, वो टेबल पे ऐसे बना हुआ हटा देंगे, उसको बोलेंगे यहाँ उंगली रख दे भाई। ये मेथड भी ताश पे ताश रख सकते हैं, कार्ड से रख सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं, या 1 से 249 कोई पर्चियां हैं, पर्चियां मर्तबान में डाल सकते हैं भाई, एक मर्तबान पर्ची बात। There can be hundreds of methods. Yes. Oh, नहीं है क्या? तो कई कई तरीके से किया जा सकता है, सभी मेथड ठीक है, कोई मेथड गलत नहीं है, ये आपकी इच्छा है आपको किस तरीके से करना है। We have tried all the methods and we have found that all methods work equally good. किसी में कोई समस्या नहीं है। मैं ये पहले करता था, फिर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने अपने मेथड निकाले, वो भी करते हैं एंड दे से इट इज गुड। सो डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट वर्क वी हैव डन आई एम टेलिंग यू दिस राइट। दीपक जी आपका सवाल अभी रह गया, वो मुंह से बोलने वाला मैं भी वो बताऊंगा। अब ये आपने ये नंबर पहले तो 249 क्यों चुने, इसका जवाब देता हूँ, फिर मैं इसका जवाब दूंगा कि ये क्यों किया गया है ना। ये 249 जो है सब लॉट हो गए, हमारे सब लॉट 249 तो जब बंदे ने सवाल पूछा है जो मैंने आपको कहा था ये और ये, यू शुड कम टू आस्क अ क्वेश्चन कि उस समय जब वो आ रहा है पूछने के लिए कि जो मेरी मम्मी है उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो वो यही सवाल पूछने आ रहा है, तो इसका मतलब इज वेरी सीरियस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इज सीरियस मोस्ट एट दिस पॉइंट। वो आए इसीलिए, जब आप पढ़ने आए हो साथ में लिटिगेशन का सवाल है, वो बात अलग है। आप वहां से गुड़गांव से आप चले इसलिए यार लिटिगेशन का पूछ क्या, तो उस समय प्रेशर दिमाग पर उस चीज का है, तो उसी समय इसलिए उत्तर देना। तो अब क्या निकालना है, नंबर। नंबर का मतलब क्या है कि हम आपका ही सवाल से आप ही का जवाब, आपके सवाल से आप ही से जवाब पूछ रहे हैं, ये बताओ आपका जवाब कहाँ। मैं सवाल तो पूछ रहा हूँ, जवाब भी भाई तू बता दो, क्योंकि जोडियक को हमने ब्रेन मान लिया है, वो आपके ऊपर बहुत असर कर रहा है कि क्या यार, तो आप ही दोगे ना जवाब। मेरा जोडियक तो डिफरेंट कह रहा है, जोडियक वही है बट जोडियक भी मल्टी डायमेंशनल, उसी जोडियक से म्यूजिक भी निकलता है, उसी जोडियक से मैथमेटिक्स भी निकलते हैं, आपको लॉस है दूसरे के लिए गेन है, जोडियक तो वही है। लेकिन आपके लिए जोड़िए का जो असर आया वो आप ही का उत्तर उसमें आएगा, इसीलिए आपसे मैं वो नंबर ले रहा हूँ, बताओ भाई उत्तर क्या। ओके, तो इसलिए ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ऐसे बैठे बैठे रिलायंस का शेयर का होते घोड़े की रेस कौन जीते, आईपीएल वो जोड़ी में क्वेश्चन ही है नहीं क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव इज अर्न मनी और बिना कुछ किए अर्न मनी हुई आज तक होती नहीं सर, उसके लिए मेहनत और समय दोनों चीज। आपने आम उगाया तो वो 8 साल बाद पेड़ देगा, तो 8 साल उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसके बाद भी करती रहनी पड़ेगी, तो मेहनत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा ना। तो अब इस समय आया 1:31 जो हमने
अब ये 141 है क्या? तो अब ये 141 है, दिस इज 141 लिब्रा में, ये डिग्री 23 बटा वन जो आ रही है, ठीक है ना? जुपिटर का तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जन्म पत्नी बनेगी वो पर्शियन ज्योतिष में ये बनेगी, लिब्रा 23 डिग्री 53 मिनट वट एवर जो आया मैंने पढ़ा आंसर। डेट क्या डलेगी आज, क्या डेट है? 30/3/2019 सीड, इसको हम कहते हैं सीड। सीड क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ, मुझे नंबर नहीं करा है वो सीड। टाइम क्या था इस समय? जो टाइम 11:02, ठीक है ना? तो इसको हम लिखेंगे 10:03 अप्रोक्सीमेटली, जिसे अब हमने निकाला, ठीक है? ठीक है, मैं इसका दिल्ली, क्योंकि हम ये दिल्ली में काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी इसका खुलासा मैं और भी करूंगा टाइम वगैरह का, अभी खुलासा और भी मैं करूंगा। तो इधर क्या होगा, जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वो आप देखो इसको हमने जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे तो वो तो इसका असेंडेंट बना लें, सिंपल है, और प्रेजेंट प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन डाल दें, बात करते हैं। जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो यहाँ हॉररी करेंगे, इधर डाल देंगे 141, इधर कर देंगे नाउ, ये टाइम अपने आप ही उठ जाएगा। में भी ऐसे ही है, सेम ही है, 5 में भी ऐसे ही है। 5 गायब हुआ था कलर वाला, गायब हुआ था वो नहीं आते कलर का, तो सिंपली ऐसे बना हुआ जाता है चार्ट, सीट भी डालने के बाद तो चार्ट बन के आता है, उसमें फिर आप वो कलर चेंज नहीं कर सकते कि मेरे ये वो देखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मैं 5 यूज नहीं करता यार, मुझे मजा नहीं आया, वेरी फ्रेंड देखो मैं 4 यूज करता हूँ यार। हाँ वही करता हूँ, एक तो मेरे को आज भी पड़ गई है, ये भी एक बार मैं बड़े सालों से यूज करता, ये भी रीजन होता है, कलर अच्छे लगते हैं, पता नहीं उसके क्यों नहीं अच्छे लग रहे, मुझे पता नहीं चला बिल्कुल। एनीवे ठीक है, अब ये आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया 141 हॉररी नंबर, 30/3/2019 10:59। अब यह सन में वीनस, ठीक है ना, ये दशा भुक्ति अभी यही हमने रीड करनी है बस, नहीं सारे ही करने हैं, बट इमीडिएटली अगर कर लो वह तो सारे कर लो, क्या दिक्कत है, केतु है 2-3-4-5-6-7-5-2-3-4-5-6-9-11, ठीक है ना? इट इज टेलिंग गोइंग आउटसाइड बट इट इज नॉट टेलिंग वेरी गुड फॉर प्रोफेशन, तो बहुत अच्छा नहीं बता रहा, ठीक है ना? वीनस कोई खास नहीं बता रहा, ट्रेवल वो बता रहा, लेकिन उनको पैसा पूछा नुकसान ही बता रहा है, ऐसे टाइम होती है। सन भी बता रहा है ठीक है यार, पूर्ण बता रहा है ठीक है यार, मार्स बता रहा बढ़िया, राहु बताता चलो ठीक है, जुपिटर बोलता चल ठीक सही है, शनि बोलता खराब है, मरकरी भी नेगेटिव है। तो सन वीनस का पीरियड है, सन इज ऑर्डिनरी, वीनस इज नॉट वेरी गुड, यही पीरियड है, ये एक साल ही लग जाना। सन में वीनस इज 6×20 ठीक है ना? तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो यही एक साल है सर, ज्यादा हो जाएगा सन मून में, मून के कुछ दिन तो आप हुए ना, तो दैट मीन्स ट्रेवलिंग इज देयर बट फाइनेंशियली इतने ऐसा आपको जैसा आया नहीं, बस ठीक है दाल रोटी आपको चल जाएगी, और बात है क्योंकि दशा आपकी ऑर्डिनरी सी है, बुक की आपकी नेगेटिव है, तो कंपेरेटिव अगर हम सिचुएशन करें तो पिछले सालों से ये साल आपका31 मार्च 2020 ये थोड़ा ध्यान में से पूछो तू, वही हमने देखना। तो दशा इज ओके, भुक्ति इज नेगेटिव, एंड अगर हम अंतरे को देखें तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव वाला प्लेनेट एक को ढूंढ कर तो मिलता नहीं, बड़ा मुश्किल से मंगल है, ठीक है? दैट मींस हम कंपैरेटिव बताएंगे कि पिछले साल से ये साल
बेहतर नहीं है, नेगेटिव है, डाउनवर्ड ट्रेंड है भाई, ठीक है। ट्रेवलिंग आपकी नहीं, ट्रेवलिंग ही मौज है, ट्रेवलिंग आपकी नहीं, लेकिन यू आर विल नॉट बी हैप्पी एज फार एज फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब ये बताने में कितनी देर लगी हमको, अब क्या टाइम है सर जी, 11:07 है, 11:04 में शुरू किया था हमने, 3 मिनट में सबको मैंने समझा भी दिया और समझ भी लिया, बता भी दिया सब। एक तो इंस्टेंट रिप्लाई है, अब आप इसमें देखो कि आंसर भी क्रिस्प क्लियर है, जो मैं आपको बता रहा था, तीनों बार आपको क्लियर नजर आ रहे, ऋतु में 3 9 12, विनस में 3 9 12, मार्स में 9 12, राहु में 3 9 12, जुपिटर शनि में 9 12, मरकरी में 3 9 12, है ना, और प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन भी नेगेटिव पॉजिटिव हमने। तो कहने का मतलब है वही कॉम्बिनेशन नजर आते हैं, जो कॉम्बिनेशन आपने, जो बंदे ने सवाल पूछा, अगर उसका क्वेश्चन सीरियस है तो वही कॉम्बिनेशन दिखेंगे, हाँ या ना वाले, या तो ना या तो, दूसरे नहीं दिखे। इसलिए मैं कह रहा था क्रिस्प आंसर आप, और यार की दूसरी चीज आपने मैरिज देखनी नहीं, प्रॉपर्टी देखनी नहीं, व्हीकल देखना नहीं, तो आपकी नजर भी जो है उसी कॉम्बिनेशन पर रहेगी, तो इसलिए इजी भी है और रिजल्ट भी फास्ट है, आंसर भी ज्यादा क्रिस्प आता। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आ रहा हूँ सीखने कंटिन्यूएशन, और मेरा मोटो एक ये भी है कि मेरे को कहीं ना कहीं से कुछ एक्यूरेसी मिल जाए मेरे लिटिगेशन के लिए, वेदर आई विल विन और नॉट, अब वो काफी टाइम से चल रही है माइंड में। मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूं भाई, मेरे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो तो आपका क्लियर ही है, नहीं वो ठीक है सर। एक क्वेश्चन मैं पूछूं, क्वेश्चन है कि ही शुड कम फॉर दैट क्वेश्चन ओनली, अब मैं आ रहा हूँ लंबे पीरियड से बट मेरे माइंड में उतने पीरियड के लिए वो चीज चल रही है, तो विल दैट वर्क या उसमें ये सेकंड पॉइंट फेल होगा? नहीं, सेकंड पॉइंट बताओ ना, है आप इस काम के लिए आए हो क्या आज, आप ही बता दो फिर, जवाब तो खुद ही दे रहे हो, पूछ कर जवाब तो दे ही रहे हो। अब 2-3 और कर लेते हैं, विल बी एबल टू हैव एन आइडिया मोर। मतलब सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था, हाँ जी पूछो सर। मेरा गृह प्रवेश कब होगा, बहुत दिनों से परेशान हूँ। पॉइंट नंबर 2 में आता नहीं सर वो जी, पॉइंट 2 नंबर जो है अभी मैंने लिखा था वो क्या था सर? He should come to ask that question only. हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम जब बैठेंगे तो जितने भी जब सबके सवाल हैं सब सवाल पूछ लेना भाई। ओके सर, अगले हफ्ते सारे पूछ लेना भाई। ठीक। ओके, सारे पूछ लेना, मैं बात खत्म हूँ। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अब दिमाग में कीड़ा डाल दिया ना मैंने, ये पूछना तो आपका दूसरा पॉइंट होगा। यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें क्या बात है, लेकिन वो होना सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो सर। एक्चुअली मैंने आपका एक पहले हाँ जी पहले वीडियो देखा, बताओ। हाँ, तो पहले वीडियो देखा था, उसमें जिस दिन मतलब उसमें भी आपने यही बोला था कि आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो इस क्वेश्चन के साथ आना। अगर मैंने उस टाइम पे सोचा था कि जिस दिन सर ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? अभी यार तुम सवाल ही अभी पूछ लो सारे, ना आज पढ़ाई करते ना कुछ करते भाई, ये तो बात हो गई ना। राजे आप सुन दो यार, क्लास में बात सुनो ना, मना तो तुम्हें कभी नहीं है, तुम तो वैसे ही पूछ रहे थे 5 महीने 4 महीने हो गए क्लास, वैसे कभी फोन पूछ रहे थे सवाल, मैं वैसे कौन सा मना करता, ठीक है ना। इट इज बेटर टू माय अंडरस्टैंडिंग यू कॉल मी टुमारो और डे आफ्टर एंड जस्ट आस्क द क्वेश्चन, बेटर फिनिश ऑन फोन, डजंट मैटर। अभी तो फोन पे ही बैठे हो आप, मेरी बात सुनिए। जी सर, वो बेटर है यार, आज हम 2-3 काम करने के लिए स्पेसिफिक उस समय जब आपके मन में उठे कि हाँ यार अब पूछ ही लेते हैं तो आप पूछ लो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि अब आपको आना ही है, अब जिंदगी अब दुनिया बदल गई, अब दुनिया में ये नहीं है कि हम आपको कहें चल गया आओ, किसी कार चोरी हुई कनेडा के अंदर, हम उसको बोले तू चल गया यहाँ पर, पहले टिकट बुक करा फिर हम बताते, बात थोड़ा ना तो फोन पे भी करेंगे ना भाई, इसलिए तू बरेली में बैठा यार, तो मैं तेरे को ये थोड़ा तू चल गया तब मैं बताऊंगा, इट इज वैलिड ऑन फोन ऑल्सो, अभी करेंगे उसको, ठीक है। तो आप परसों भेजो पूछो। अब क्वेश्चन है ये, अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन है, जैसे कि मेरा पर्स जो है चोरी हो गया,
किसी ने भी पूछा, तो मेरे को पर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है ये 2008 सितंबर 2008, तो आपने क्या देखना, दशा बुक अंतरा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। अभी हमें पूरा साल नहीं देखना, अब हम तो करंट ही देखना है, पर्स है वो अभी मिला तो मिला, वो साल में नहीं मिलने वाला। एक आधा दिन के अंदर मिला तो मिला, फिर कौन किसने देखा, ठीक है ना। तो ये मरकरी वीनस, मरकरी का पीरियड, मरकरी क्या बता रहा है सर, अब हमने क्या देखना है, चोरी नहीं, नहीं चोरी नहीं देखनी हमें, नहीं हमने देखना है कि सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, वापसी मतलब वापसी। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि जनानी के पर्स में क्या क्या होता है, पैसा होता है बस। आपने भरजाई का पर्स खोल के देखो, हाथ जाके तो पता चलेगा। इनको समझाओ बहन जी क्या क्या होता है, मेकअप का सामान देखो कितने सियाने, आपको क्यों नहीं पता, आपको ये क्यों नहीं पता, इनको पता हाँ, तभी ये तुम्हारी गलती है। तो छानबीन क्या करो भाई, मेकअप का सामान और क्या बताओ, बताओ मेकअप का सामान है, गार्ड नहीं होता इनके, इनकी वाइफ के गार्ड, और बताओ चलो मेकअप का सामान, पैसे और बस। और अगर बच्चे साथ में, बड़े बच्चे का आइटम भी हो, बच्चे की भी कुछ आइटम हो सकती है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, घर की चाबी हो सकती है ना, हो सकती है सर, पासपोर्ट हो सकता है, हो सकता नहीं भी होता, मतलब देयर कैन बी सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट कैन बी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इट कैन बी देयर। एक पैसे हो सकते हैं, एक मेकअप में के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा उसके लिए ना, कंघी शंघी वो थोड़ी सी वो ऐसी वैसी वो लिपस्टिक वो, ठीक है। तो बात अगर हम पैसे की करें तो हमने कॉम्बिनेशन क्या देखने हैं, 2, 6, 10, 11, ठीक है, 2, 6, 10, 11, 6 के साथ 11 मतलब मनी, मनी। अगर हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखने हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन देगा, क्रेडिट कार्ड का गवर्नमेंट से कोई लेना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 3, 11, अगर वो मिलेगा तो देखो डॉक्यूमेंट मिलेगा 3, 11। पैसे की बात है, ज्वेलरी की, ज्वेलरी भी हो सकती, ज्वेलरी है तो फिर वो पैसा ही है, वो 6, 11, 6, 11, 10, 11, 2, 6, 11, मैं तो एक ही बोलूंगा 2, 6, 11, अब उसमें सारे वैलिड है, ओके। अब देखो सर जी मरकरी की दशा, तो मरकरी क्या बता रहा था, 4, 11, 3, 11, 4 को क्यों करता है, हमें देखना है ना सर, 3, 11, 3, 10, 11 आ गया, और 6, 10 भी, अच्छा 11 नहीं है, 11 भी है, अच्छा वीनस क्या बता रहा, 3, 11 और 6, 10, तो ये पॉजिटिव मरकरी वीनस मरकरी, तो हमने उसको कहना इमीडिएट मिलेगा भाई, यू विल गेट इट इमीडिएट। चार की तो बात, अगर 12 होता तो लॉस था, 6, 8, 12 लॉस नहीं सर, नुकसान का बताओ ना क्या होता है, 6, 8, 12 सर वापसी का, कि वापस मिलेगा मतलब कम बैक, तो 4, 11 हमें, 4, 11 वो जो है इंसान के लिए, अच्छा आदमी घर आएगा तो वो तो पैसा नहीं, ठीक है जी, तो ट्रेवल बैक टू होम, उन्होंने पढ़ाया नहीं एक्चुअली, तो ट्रेवलिंग इज 3, 9, 12, कमिंग बैक टू होम इज 2, 4, 11, तो इंसान होगा तो 2, 4, 11 जाएंगे, और डॉक्यूमेंट घर आएंगे नहीं आएंगे, we get them back or not, that is 3, 11। इसमें सर आपने वो नहीं देखा, नंबर नहीं पूछा, कार कौन पैसे लिए, हाँ जी बोलो सर, इसमें नंबर नहीं दे, नंबर नहीं पूछा गया सर, नंबर जो नंबर पूछना था 249 तक, 279 तक सर, नंबर ऊपर लिखा है ना मेरे मालिक, 2008 लिखा नंबर, अच्छा कर चुके जी जी, ठीक है, थैंक यू सॉरी, तो कर चुके, तो कर चुके हैं, तो मैं आपको प्रश्न ज्योतिष दिखा रहा हूँ, ये उन्होंने किए हुए हैं, तो किस टाइप पूछना है, जैसे कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वो भी बताऊंगा, थेफ्ट में करेंगे ना वो सारा समझाऊंगा, किसने चोरी किया वो सारा, फिर लंबा है वो, नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है ये वाला,
कि मेरी वो ब्रेस्ट कैंसर निकल आया, तो मेरा जो ये ट्रीटमेंट अब करेंगे कीमो शीमो जो भी करेंगे विल आई बी फाइन और नॉट, ठीक है सर। तो हमने क्या देखना है 26 मई 2008 का क्वेश्चन, ये क्या हो गया सर मून विनस का पीरियड आया, ठीक है सर। मून क्या पॉजिटिव हेल्थ के लिए क्या है सर कॉम्बिनेशन, पांच ग्यारह ना, और खराब हेल्थ के लिए 6-8 या 4-10 या दोनों। मून क्या बता रहा पॉजिटिव, वीनस क्या बता रहा पॉजिटिव। आप नियरली सारे देख लो नेगेटिव कोई नहीं है प्लेनेट, प्लेनेट कौन से हैं मून एंड वीनस, ब्रेस्ट क्या कौन से प्लेनेट है नेचुरल सिग्निफिकेंट, ब्रेस्ट का काम क्या है, ब्रेस्ट का काम क्या है, केतु को सुनो, ब्रेस्ट का काम क्या है, फर्स्ट फर्स्ट फूड है ना, एक तो फर्स्ट फूड ऑफ द चाइल्ड है, दूसरा जो हो गया वो हो गया क्या नाम है वो क्या बोलेंगे वीनस कह सकते हैं, ब्यूटी दिखाना है वहां से, है ना। तो दोनों प्लान तो दोनों काम करती हूँ, ठीक है ना, तो दोनों आ गए बाय चांस। इससे पहले कोई क्वेश्चन क्या था पर्स का और डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट का सिग्निफिकेटर क्या होगा, सन तो देने वाला हो गया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कागज, कागज क्या हो गया मर्करी, ठीक है ना। और कॉस्मेटिक्स का क्या सिग्निफिकेट, वीनस, तो मर्करी वीनस ही आया था, ठीक है ना। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था जो इट वाज अ वैसे कोई क्वेश्चन था, तब कौन से आए थे प्लैनेट, सन में वीनस, मैं तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बट उसका कोई रेलेवेंस को खास लंबा चौड़ा मिल नहीं रहा। क्या हाँ जुपिटर होना चाहिए वैसे तो, लेकिन इसमें कोई प्लैनेट नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा क्वेश्चन सीरियस होता है तो प्लैनेट्स भी वही आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन भी मोटे तौर पे वही आ जाते हैं जो हमने पूछ लो। इफ द क्वेश्चन इज वेरी रियली वैलिड, वो कभी करते हैं, अभी करते, अरे अभी करते नहीं यार, अरे अभी कर भाई, हाँ बता देखो आज ये अभी एक मिनट क्वेश्चन नोट कर ले, अभी मैं बात करूं अभी पहले वो दीपक जी का क्वेश्चन बाकी है उसका अभी टाइम आ गया है जो आप देने। ये जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया जिस तरह मैंने बताया, अब ऐसा होता नहीं, नो बडी इज गोइंग टू कम टू यू टू आस्क अ क्वेश्चन। अब तो लोग कहते हैं भाई ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दिया, पैसे बता दो कहाँ जमा करा दूँ, आंसर दे दो। अब लोग ये करते हैं मेल पे दे दो, हेलो नहीं सर क्वेश्चन पूछते हैं, ईमेल पे खाली क्वेश्चन ही पूछते हैं, अरे पैसे वैसे की बात नहीं करते, पर कहते हैं कि मैं जा रहा था मेले में, सुबह निकला हूँ, बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, तो भाई साहब अभी बता दो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ और कोई बात नहीं सर, ये कह रहा हूँ आप तो अभी शुरू कर रहे हो ना सर, तो वो आपको सीरियसली लेंगे, वो तो सीरियस का बंदा आपको नहीं सीरियसली ले रहे, अपने को सीरियसली, जब आपका नाम हो जाएगा तो आपको सीरियसली लेंगे, अपने को सीरियसली लेंगे। हमें दोनों रास्ते देख चुके ना, कभी मैं इस तरफ भी बैठा करता था ना सर, आज मैं इस तरफ बैठा हूँ, कल तो उस तरफ बैठा करता था, आज मैं इस तरफ बैठ गया क्योंकि अब लोग बिठा दिया लोगों, तो मैंने कहा बैठना भाई, मैं कौन होता हूँ, मैं तो खुद तो नहीं बैठा, लोगों ने उठा के बैठा भाई, बैठो और पढ़ाओ भाई, हम मैं नहीं बैठा कि मैं जानता हूँ जी, मैंने टीवी पे दे दिया, मैं लोगों मैंने टीम रख दी जो सर जी पढ़ाते, मैंने नहीं किया, तो मैं ये कह रहा हूँ इसलिए व्हेन पीपल आस्क क्वेश्चन दे सेम मनी, तो मैं मनी की बात नहीं कर रहा यार, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग अब जो है जो बात का मतलब है उसको समझो कि अब लोगों के पास आने का टाइम, सो पीपल विल आस्क फ्रॉम एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज व्हाट आई मीन, बात घुमाओ मत यार, ठीक है।
ठीक है ना, जब एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू ऐसा कर, ये किताब ले और किताब में से ये दे दे, ऐसा नहीं। अब हम उसको बोलेंगे कोई भी नंबर बता दो बिटवीन 1 to 2 एंड ही विल राइट डाउन दैट नंबर एंड गिव इट टू यू। जो दीपक जी कह रहे हैं वो ऐसे फोन पे किया उसने सवाल, तो हमने उसको बोला कि एक नंबर बताओ 1 to 249, प्लीज डू नॉट टेल योर फेवरेट नंबर, जो होता है ना फेवरेट नंबर ना की नंबर, ये मत, जो भी दिमाग में आ रहा है तुरंत बोल दो, ठीक है। इवन दैट सीड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब इसको सीड ही क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने वो उत्तर अपने प्रश्न का खुद दिया है लेकिन वो बीज रूप दिया है, उसका उत्तर नहीं है उसके लिए, मतलब उत्तर दिख नहीं रहा भाई, ये बीज है, पंपकिन का बीज है तरबूज का बीज है, पता करना मुश्किल हो जाएगा जब सूख जाएगा कि इसका या उसका है, लेकिन जब आप गाड़ दोगे उसको पता है पंपकिन को मैं पंपकिन, तरबूजे को पता है मैं तरबूज हूं, इस तरह से मतलब अंडा है तो बतख का अंडा है या मुर्गी का अंडा है उसका हम ना पहचानता, लेकिन बतख के अंडे को पता है मैं बतख हूं। तो इस सीड से वो तो उत्तर निकालता, हम जोशी हम उत्तर निकालते हैं, माली हमने डाल दिया और उसको निकाल, इसलिए हम उसको सीड करते हैं। हो गया। अब आ जाते हैं कि यानी किसी भी तरीके से नंबर हम ले सकते हैं, नंबर कहां से लेना है, दिमाग से, सब कुछ दिमाग है, ये दिमाग ही है सभी, ये तो सारे इंद्रियां जो है उसके गुलाम, दिमाग बोल रहा माइंड नॉट ब्रेन, ठीक है। अब मैंने हाथ से निकाला तो भी मैं ब्रेन का इस्तेमाल करूँ, मुंह से बोल रहा हूँ तो भी ब्रेन का इस्तेमाल करूँ, आंख से देख के कर रहा हूँ उंगली लगा रहा हूँ तो भी ब्रेन से कर, तो ब्रेन से ही रहा हूँ, तो किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं उसको आना नहीं ये करेंगे, और कोई भी मेथड ऑफ टेकिंग सीड, मतलब ये सीड ले सकते हैं, ओके ये बात हो। अब इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ये हो गया सर जी। अब जो बंदा दूर बैठा है, जो आप व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, वो तो बैठा है हरिद्वार में या वो तो बैठा है इलाहाबाद में वाराणसी में, वो तो कह रहा कि साहब मेरा बच्चा तो खो गया कुंभ के अंदर, तो मेरे को बताओ। अब उसने 30 मार्च 2019 को पूछा आपसे, 10:59 को पूछा, उसने तो पूछा वाराणसी से, आप बैठे हो दिल्ली में, तो आप दिल्ली लोग हैं या वाराणसी लोग, ये दिल्ली लोग, हम दिल्ली में गए क्योंकि वो बीज जो है दिल्ली में बोया गया, तो जो पूछने वाला है और कॉम्प्लेक्स करते हैं, किसी ने पूछा 30 मार्च 2019 को, ठीक है, ये पूछा सर जी उसने 22:15 यूएसए, ठीक है, न्यूयॉर्क, तो दिल्ली में तो 31 मार्च 2019, ठीक है सर जी, और ये जो है टाइम जो है मुझे नहीं पता क्या होगा, से 10 डिफरेंस से 12 आवर्स, तो यहां पर तो 10:15 है, तो हम यही डालेंगे, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो इससे लेना है, ये तीनों चीजों से मुझे कोई लेना देना, मुझे इसी से लेना, मेरे को उससे यही चाहिए, मेरे को अपना कंप्यूटर देखना है, अपना लैपटॉप में मेरा ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, एक लास्ट। अब उसने पूछा और आप क्या मज रहे हैं, लेकिन आप बोले मैं तो बैठा हूं भाई एयरपोर्ट के ऊपर, मैं तो जा रहा हूं सिंगापुर, और आप फ्लाइट लेके पहुंचे सिंगापुर, आप पहुंचे सर जी मैं कहता हूँ 7, 8, 9, 10 घंटे बाद पहुंचे, 22:15 पर पहुंचे या रात को, और आपने कहा मैं थका हूं यार मेरे से अभी होगा नहीं। अब आपने 1 अप्रैल 2019 सिंगापुर 9:15 सवेरे फिर आपने सोचा मैं उत्तर निकाल, अब मेरे को बताओ ये लोग हैं या ये लोग, यही नहीं है सारा यही है। जब आप कर रहे हो जहां आप बैठे हो जहां आप जो है सीट वही वैलिड, सीट वैलिड कब तक रहता है अभी कर रहे हो, टाइम जो है अगर मान लीजिए ये लैपटॉप लेके मैं जा रहा हूं 32 घंटे का इंडियन टाइम,
तो वो वहां जाके टाइम बदल जाएगा, जैसे आप नेट से कनेक्ट करोगे वो बदल जाएगा। आजकल बदल गया, अगर नहीं बदला है तो प्लीज बदल। सर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि रात को अगर किसी ने यूएसए से क्वेश्चन पूछा और मेरे पास सवेरे लैपटॉप में जो टाइम दिखा रहा है, मैं उसी वही पर्टिकुलर वही टाइम उसी समय ले लूं। आपको अमेरिका का क्यों दिखा रहा है? हाँ इसी डालना काम करना वही दैट दैट टाइम बस सीधा सीधा ओके। मेरे कहने में ना जब उसने क्वेश्चन पूछा हमने सीट ले लिया, उस समय अगर हम नहीं बताए, आप जो उस तरह कार चला रहे हो दिल्ली में भी होता है, जिसका एग्जांपल कैन बी फॉर दिल्ली आल्सो। Someone is calling me, भाई मेरी बेटी की शादी कर लूंगी, हमने कहा 141 सीट बता दो, उसने बता दिया, घर आए देखा जो टाइम लैपटॉप में, लैपटॉप तो वही टाइम अपने आप ही उठा लेगा, काम का तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं। सीट तो लेना पड़ेगा बाद में, उस समय लेना पड़ेगा ना, आप नहीं कर अभी उस पर आ रहे अभी दे रहा हूँ। ये जो सीट है इसकी जो वैलिडिटी है ये आप समझो 60 आवर्स है, अगर ये 60 घंटे के अंदर आप जवाब नहीं निकाल पाते तो फिर आपको नया सीट लेना पड़ेगा, देन यू कॉल हिम ईमेल हिम व्हाट्सएप हिम जो भी जिस तरह से बात आपकी हो रही है कि भैया वो जो आपने नंबर दिया था ना भैया आपको क्वेश्चन है वो मैंने निकाला नहीं है तो आप मेरे को नंबर एक दूसरा दो, अगर वो कहता वही वही डाल होगा तो दूसरा दूसरा उसकी वैलिडिटी 60 आवर्स। तो 60 आवर्स क्यों है? कोई जवाब भाई 60 आवर्स इसका हमारे को कोई जवाब नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय कितने दिन में हो जाता है, लेकिन वो देखने के बाद है 60 आवर्स। कहने का मतलब है उसने व्हाट्सएप किया आपको, व्हाट्सएप पे सीट दे दिया 141, आपने वो देखा ही 2.5 घंटे बाद है तो यहां से वैलिडिटी शुरू होगी इसको। हाँ आपके देखने के बाद से कराएंगे, ये भी पॉइंट है। सुन क्या जो सुन, आपको किसी ने पूछा आपने कहा मेरे को एक सीट ईमेल कर दो, आपने उसने ईमेल कर दिया, आपने 5 दिन देखा ही नहीं, तो जब वो ईमेल आप देखोगे या व्हाट्सएप जब वो आप व्हाट्सएप देखोगे उससे 60 घंटे सीट वैलिड है उसके भेजने से नहीं। अच्छा बेटर है आप इससे मंगवाया करें, डील करते हैं, उसने बोल दिया हमें तो वो स्टार्ट हो गई। नहीं ऐसे तो 2.5 दिन किसने वही जाता है, 2.5 दिन में दे ही दोगे, इतना पूर्ण वेले मतलब इतने काम नहीं है ना इस वेले बंदे भाई, तभी तो ज्योति आ रहा है। चलो अब आ जाते हैं कि आपने जबानी लिया सवाल, जबानी उसका सवाल है मेरे गार मेरी आपने बोला प्लीज गिव ए नंबर 22, उसने जवाब दिया 273, इसका मतलब उसकी कार कभी नहीं मिलेगी। वो दूसरे जोड़ियर में चला गया, वो दूसरे जोड़ियर में चला गया तो क्या मैं भी क्या करूँ, मैं भी कहाँ से लाऊँ उसकी कार, तो कार ही दूसरे जोड़ियर में चली गई। नंबर बताने पड़ेंगे नहीं करी अब ये तो नहीं, ठीक है मेरी ज्वेलरी चोरी होगी 457। अब आपको लगेगा कि ये मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ ऐसे कैसे संभव है, लोग ऐसे क्यों कह रहे कहते कमाल के लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्क है, इसके बाद क्वेश्चन है सर आपका क्या क्वेश्चन है? मैं सही कह रहा हूँ सीट कहते हैं सीट नंबर आपने बताया वो सीट अगर चेंज होता है वो चेंज। हाँ अब आप इनका क्वेश्चन था ये अभी तो 2220 दिया वो सेटिस्फाइड नहीं है, हमने कहा तेरी बेटी की शादी 10 साल बाद होगी तो बोलता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड मैंने तो दूसरा सीट निकाल, ठीक है एक और बोले पर पैसे दे दो आप, या ये हो सकता है कि वो मेरे से डिससेटिस्फाइड है वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है विद इन 2 आवर्स मे बी आफ्टर 5 डेज मे बी आफ्टर 2 डेज इज नॉट किसी की, हमको कह दें बेटी की शायद 2 साल बाद हो वो डेस्परेट है करने को, बेटी पहले ही 31 साल की
ये तो पॉसिबल है ना, दूसरे के पास जाएगा। प्रश्न ज्योतिष में ये बड़ा जरूरी है कि क्वेश्चन हैज टू बी सीरियस, पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन इट, एंड वो उसी के लिए आ गए। ये तीन चीज तो ही शुड बी सीरियस, उसको पक्का करने के लिए। बाकी जगह पैसे लोन मत लो, प्रश्न ज्योतिष में पैसे जरूर लेना, उत्तर तभी ठीक आएंगे, नहीं तो नहीं आते। मैं ये नहीं कहता नहीं आते, मतलब तकलीफ हो जाए, सीरियस हो जाएगी। चार जगह से पूछ के आ रहा है, बेटी शादी कब, बेटी शादी कब, बेटी। अबे कभी तो ऐसा नंबर आ ही जाएगा, फिर मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। अब आप ही करने में बैठ जाना, आज मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति। कभी तो बन ही जाओगे। यू कैन आस्क द सेम क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम सोचे कि अगर हम जोशी ना होते, कॉमन आदमी होते तो कैसे। जैसे अभी हमने मतलब जो है, मेरी माता जी बीमार होगी तो हम प्रश्न कुंडी खोल के बैठ के नहीं करना भाई, यू नॉट टू डू लाइक। हमें लगे कि यार दो चार बार डॉक्टर के पास हुआ है, यार हो नहीं रहा। जैसे आप सोचो कि आम आदमी के साथ, तो फिर ये सोच लो 100 रुपए मंदिर चला गया हूँ, तो फिर आप अपने लिए भी प्रश्न पूछ लो, आपके ऊपर प्रश्न के ऊपर ठीक आएंगे। मेरे पास ये तो हम नॉन सीरियस, हम तो आते ही, हम तो फिर बस बैठे ऐसे, मैं करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, ये चलो 50 लाख आ जाए, चलो चलो 49,50,000 आ जाए, तो किसने आ ही जाना है भाई। क्या लगन बदल गया ना, नंबर बदल जाएगा ना। आप भी ये एक ये केरला स्कूल है, इधर क्या है रामकृष्ण स्कूल, दो स्कूल आगे भी न्यू मतलब क्या ग्रीन पता नहीं करके एक अदर। हम यहाँ पर जो है बैनर लगाते हैं और कहते हैं कि 12वीं क्लास के रिजल्ट मतलब ये लास्ट पेपर है, इसके बाद ये बच्चे जो है सारे यहाँ में, इनको बताए जाएंगे कितने नंबर आएंगे, बैनर लगा दिए। एग्जाम्पल है, अब समझ लो यहाँ पर 100 बच्चा खड़ा हो गया, सारे तो आएंगे नहीं, तो हम 15 मिनट में 100 के 100 बच्चों को फारिग कर देंगे कि तेरे नंबर नहीं। सबके उत्तर डिफरेंट आए, क्यों, सबके सीट डिफरेंट है। सीट से क्या होगा, सबके जोड़ियक की डिग्री बदलने वजह से असेंडेंट डिफरेंट आ जाए, इसलिए नंबर बदलेंगे। तो जो अगर हम प्रश्न ज्योतिष पहले जैसे टाइप का कर रहे हैं जिसमें असेंडेंट की डिग्री ली जाती है, जो आज का असेंडेंट है, वो प्रश्न फेल हो जाएंगे इसी रीजन में। कि इस समय का अगर असेंडेंट बना के हम प्रश्न ज्योतिष करते हैं तो इस समय पे जो भी बंदा सवाल पूछेगा उसके सभी के सवाल का जवाब एक है, लेकिन जितने बच्चे आ रहे हैं क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं, मेरे नंबर कितने हैं, सीट क्यों लगा है। किसी को हम बोलेंगे तेरे 95 आएंगे, तेरे 77 आएंगे, तू फेल हो जाएगा, तू मुस्ता एक विषय में रह जाए, अच्छा बच्चा है, नहीं ये लगा है। सॉफ्टवेयर में बस हमें सीट डालना, वो असेंडेंट अपने आप उठ जाएगा, जैसे मैंने दिखाया नहीं, I'm sorry. नहीं वो असेंडेंट अपने आप, वो लिब्रा जो मैंने लिब्रा अपने आप ही वो डिग्री का खुल जाएगा, ठीक है। पहला जो है वही नहीं, मतलब बंदे जैसे नंबर बदल देते हैं, जैसे जबानी दिया इसने कहा 148, नहीं 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 218, पहला जो मुंह से निकल गया। अब क्वेश्चन अपने लिए भी पूछ, मतलब लोग अपने लिए भी पूछ सकते हैं, मेरी प्रमोशन कब होगी, बेटी के लिए भी पूछ सकते हैं कि भाई उसकी शादी कब होगी, लेकिन अगर बेटी के लिए पूछ रहे हैं तो वो हाउस हमें रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, रोटेट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे, पहले मैं लिख देता हूँ कि डिफरेंट, मैं भी बता देता हूँ पहले, फिर मैं ये लिखूंगा। पहले मैं बता देता हूँ, जैसे किसी का क्वेश्चन है अपनी बेटी के बारे में, ठीक है ना, जैसे मैं आपको क्वेश्चन निकाल देता हूँ कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, तो बेटी इज माय फर्स्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट चाइल्ड का कौन सा नंबर हाउस है, नॉट चाइल्ड, क्वेश्चन इज मेरी बेटी की शादी कब होगी, तो ये मेरी शादी होगी तो बात होने की, ठीक है ना, बेटी की हो रही है, तो हमें
जो पूछ रहा है उससे ये पूछना पड़ेगा, सब ये बताओ कि ये आपका कौन सा चाइल्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा। उसने बोला ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है ना, और उसने सीड दिया 145। तो हम क्या करेंगे, हमने डाला सीड नंबर एक, हमने डाला सीड नंबर 140 11 37 30 मार्च दिल्ली है और ओके कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस क्या है, पाइसिस। फिफ्थ हाउस क्या है, पाइसिस 7 degree 41 minute 42 seconds, ठीक। ये उसमें बुक में नहीं पता लग रहा है, बुक में जो इसमें आपने पहले वो डिग्री, अच्छा उससे डिग्री हमने ले ली है। ये तो सॉफ्टवेयर तो अपने आप करेगा भाई, सॉफ्टवेयर क्या हुआ जो उसने खुद करना, किसी ने हाथ से करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पाई 7:41 को, पाई से 7:41 को ऊपर असेंडेंट में देना पड़ेगा। आपको करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आप राइट साइड में बॉटम में हाउस रिवॉल्विंग को क्लिक करो, यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी, यहाँ पर 5 को क्लिक करो, ओके कर दो, वो बन गया बात खत्म। आपको नीचे कॉम्बिनेशन देखना, आपको कुछ नहीं देखना, आपको नीचे ये सन और वीनस देखना, आपको कुछ नहीं करना। कॉम्बिनेशन तो वही रहते हैं जी, कॉम्बिनेशन वो कैसे रहेंगे आप बताओ, ये आपका असेंडेंट बदल जाएगा, आपका ये जो है ये सारे बदल गए। सर ये नीचे हाउस रिवॉल्विंग है, जो क्लिक किया ये विंडो, जब हमने वो देखा था कि सन इज 7 डिग्री असेंड, भाई ये पाइसिस है, हां पाइसिस है, पाइसिस की डिग्री है 60 degree 41 minute। हां जी, अगर आप हाथ से कर रहे होते तो आपको हाथ से रिएक्ट करना होगा, आपको नहीं करना, आपको सिर्फ हाउस रिवॉल्विंग करना है, 5 करना है, आपके नंबर आ गए, आप कुछ नहीं करना, सन भी नहीं देखना, आप कुछ मतलब। अब ये सवाल है बेटी की शादी कब होगी, आप देखते हो सन क्या बता रहा है, सन तो नहीं बता रहा शादी, वीनस भी कमजोर सा है, मून पे आ जाएंगे, मून भी बड़ा पिटा पड़ा सा है, ठीक है, ऐसे ही है भाई मामला, तो कुछ गड़बड़ सही लग रहा है। मार्च है तो इसका मतलब आपकी बेटी की शादी जो है 2030 मार्च जुपिटर है ना, 2031 जुलाई में हो जाएगी, बाद में गोली मार दे आपको कोई बात नहीं, बट आपका जवाब है। चले भी हो डिग्री तो 7th 5th हाउस की यही है ना, पाइसिस जो भी ये डिग्री तो 5th हाउस की यही है ना, पाइसिस इधर तो एक्वेरियस है बट एक्चुअली तो पाइसिस है भाई। तो आपको क्या करना है, जब आपको उससे करना है क्या नाम है रिलेशन से करना है, तो फिर वो वाला हाउस आपको रोटेट कर, मदर की तबीयत कैसे कर रहा हूँ सारा यार अभी बताऊ, मदर की गया तो 4th हाउस है, फादर है तो 10th हाउस है, भाई है तो देखना पड़ेगा बड़ा है छोटा, वैसा घुमाना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेशन में हो गया, पहले हो गया करते हैं मदर, मदर का हाउस कौन सा है, फादर 9 is 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 9 is
First child, second spouse, partner, teacher, associate, colleague, friend,
दशरथ पूछ रहा है सर जी, एक मिनट का बाद में लिख लेना, सुन लो बाद में लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा यार। दशरथ पूछता है कि भरत के पैर में चोट लगी है, कब ठीक होगा? अब उसका वो कौन सा चाइल्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? सेकंड। ठीक है ना, तो अब कैसे होगा सेकंड? सेकंड चाइल्ड सेवन। अच्छा, लक्ष्मण हो गया थर्ड चाइल्ड, करेक्ट? वो कौन सा होगा? वो यंगर ब्रदर सिस्टर में आया थी, दशरथ का यंगर ब्रदर सिस्टर। नहीं सॉरी, मतलब सेकंड चाइल्ड है तो दैट अगेन विल सी सेवन। सर अभी एक्सप्लेन, थर्ड थर्ड है सर, थर्ड के लिए कौन सा है? आपको समझा नाइंथ का देर, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, बाकी लालू चलता है। चलिए फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड का थर्ड ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, उसका छोटा भाई, फिर थर्ड, फिर थर्ड, गॉट इट और नॉट? यंगर ब्रदर का थर्ड हो गया ना, इसलिए फर्स्ट चाइल्ड जो है फिफ्थ का, तो सेकंड चाइल्ड फिफ्थ का थर्ड है। अभी कर चलिए, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड हो गया तो सेवन का भी थर्ड आ गया। यस, ठीक। अब आ गया जो उर्मिला है, दशरथ जी पूछते हैं जो उर्मिला है उसके पैर में चोट लगी, अब कौन सा उर्मिला कौन है? उर्मिला मदौंड करनी यार, मदौंड कर रहा है उर्मिला, नहीं पता। थर्ड चाइल्ड की बीवी दशरथ, दशरथ जी की थर्ड चाइल्ड की बीवी, थर्ड चाइल्ड की बीवी, थर्ड चाइल्ड, वेरी गुड, हिस्ट्री भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना, थर्ड चाइल्ड की बीवी, थर्ड चाइल्ड हो गया ये हो गया लक्ष्मण, तो उर्मिला कौन सी होगी? सेवन फ्रॉम दिस कार्ड से ये होगा। अब उर्मिला की जो माँ है वो भी मारा है दशरथ जी, अब यहाँ उनको बोले दशरथ जी भाई बस करो यार, हमारे बात कर रहा वो तो ठीक है, सेवन हो गई। क्वेश्चन हमारा क्या था कि दशरथ जी पूछ रहे हैं कि जो मेरी बहू है उसके पैर में चोट लगी है, वो कब ठीक हो जाएगी? He's talking about बहु। अब हम पूछेंगे कि कितने बच्चे हैं आपके? बोले मेरे तो चार बच्चे। बोले ये कौन से बच्चे की बहू है? तो बोले ये तीसरे बच्चे की बहू। तो तीसरे बच्चा हो गया ये उसकी भाई होगी। तो हम कैसे घुमाएंगे? अब वो कहते हैं जो उर्मिला की जो माँ है, अब वो कहते हैं बोले भाई मेरी माँ बास का, हमारे बास का नहीं। तो सेकेंड रिलेशन तक तो हम चले जाएंगे, उसके बाद हम सिर नहीं पाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, या बहुत कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा फिर हम लगन से देखेंगे, या ज्यादा दूर का हो गया तो आप समझ लो आपका कोई दूर का भाई है, आप बोलो जी मेरी माँ माता जी की चाची, चाची का बेटा, बेटे का पोता, तो बोलो भाई बस, ऑल दो इज क्लोज टू यू, तो हम असेंडेंट देखेंगे कोई रिलेशन नहीं, मतलब इतना लंबा रिलेशन नहीं देखेंगे, या तो बहुत लंबा रिलेशन हो या कोई रिलेशन हो, जैसे हम बोले मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी से हमारा कोई रिलेशन नहीं, असेंडेंट, या बीजेपी जीतेगी बीजेपी से हमारा कोई रिलेशन नहीं, असेंडेंट, क्या ये सड़क बनेगी हमारा कोई रिलेशन है सड़क से एमसीडी से, कोई नहीं, असेंडेंट। जो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा यार, सीधी बात यार, सीधी बात, नो बकवास, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कॉम्प्लेक्स वाला दिमाग पे जरा जोर नहीं डाल, बड़ा कमजोर है, इसीलिए ऊपर वाले ने ऊपर बनाया, बोझ नहीं डालना, सिंपल सा लॉजिक है यार, बात ही खत्म, काय टेंशन। थोड़ा पढ़ा तो मांडवी
मांडवी के बारे में पूछ रहे हैं। चलो मांडवी जो थी वो भरत की बीवी थी, श्रुति की होती जो शत्रुघ्न। चलो बस सीता का तो पता ही है। अब मांडवी के बारे में, मांडवी होगी ये भरत, भरत से आ गया एक दो तीन चार पाँच छह सात फर्स्ट हाउस, तो वो तो असेंडेंट से देखना। श्रुति कितनी होगी तो ये फोर्थ चाइल्ड की वाइफ, तो इस तरीके से हमें घुमाना है। अगर हमारा कोई रिलेशन नहीं बनता फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर हमें असेंडेंट से जो खुला चार्ट सर वी कैन आस्क सर, आप कार चला के जा रहे हो और रास्ते में जो है वो अभी ये देगा ना वो उसकी आग लगती हमारे दिल पे, यार वो उसका यार सब ठीक हो जाएगा, उसके यार दर्द नहीं होगा, दिल में आ जाते। अब आप अगर बहुत ज्यादा मूवड हो गए, वो बच्चा गिर पड़ा यार ये सब बच जाएगा यार चोट वोट लगी दिल भी ऑल राइट करना, क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई अपने से। तो इफ वी वांट टू सी कि ब्रदर या सिस्टर का थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस से वो देखना है तो दैट मींस वी हैव टू गो टू थर्ड हाउस से सातवां। आप कितने भाई बहन? दो सिस्टर, दो सिस्टर और एक ब्रदर। आपका नंबर क्या? आपका नंबर क्या? अरे कर रहे हैं ना करा रहे हैं नंबर भाइयों बहनों में आपका नंबर पहला है। और अब ठीक है ना, अब आप पूछते आपका शुभ नाम हो गया सर? देवेंद्र। देवेंद्र उससे छोटा सभी उससे नहीं दोस्त क्योंकि आप बनोगे दूसरी आपकी बहन जी होगी, दूसरी आपकी बहन जी। अब आपने बोला मेरी जो जीजा जी है आपने मेरे से पूछा, तो आप हुआ भाई साहब आप कितने भाई हैं? आपने बोला तीन, तो बोले भी ये जो आप सिस्टर के बारे में पूछ रहे हो बड़ी है या छोटी? आपने छोटी, छोटी से बात नहीं करती, ये छोटी है क्योंकि आप सभी के हस्बैंड की पूछ रहे, तो हम क्या करेंगे छोटी 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 के हस्बैंड फिर इलेवंथ। अच्छा उसका थर्ड हो गया मतलब दैट इज केस ऑफ जो लक्ष्मण वाला केस बन गया की, ये आप हो गए देवेंद्र जी, यहाँ से थर्ड हो गया देवेंद्र जी, आपकी बहन भी होगी, बहन जी की छोटी बहन, आपकी बहन ये छोटी फिर उसकी छोटी फिर उसके जी फिर उसके हस्बैंड से, ये आपके जी है इलेवंथ हाउस, ये वाले जी है आपके नाइन्थ हाउस। अगर आप पूछते हैं जी उसका देवर उसको छोड़ दो यहाँ से, ठीक है ना सर, ज्यादा लंबा नहीं करना। तो अगर मान लीजिए सिस्टर का बेटा, वही कह रहा हूँ जैसे आपकी वाइफ, आपकी वाइफ के भाई का जीजा है, आपकी वाइफ का शुभ नाम पूजा, पूजा पूजा का साले का शुभ नाम चिंटू, चिंटू का जीजा कौन? अच्छा आप ही हो, अच्छा मुझे पता नहीं सॉरी, ठीक है तो असेंडेंट ही लेना हमें ज्यादा नहीं घुमाना। ज्यादा नहीं घुमाना भाई, असल ये हम इसमें कर सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड जैसे मेरा अगर फर्स्ट आया है तो वहां से जो है थर्ड हाउस और सेकंड थर्ड सेकंड चिंटू के जो जीजा नहीं नहीं मैं सिस्टर की बात, हाँ जी सिस्टर की बात कर रहे हैं, थर्ड हाउस हो गया थर्ड से जो है थर्ड एंड वहां से फिर सेवन जी। अगर आपको कंफ्यूजन अभी इसके आगे जो जाना है क्वेश्चन आते हैं सर्वेंट कब आएगा, वो ये मेरी वाइफ का पेट क्वेश्चन, जो सुमन है वो छुट्टी मांग के गई है वो कब आएगी, मेरे ऊपर रहता था पहले मेरा स्टूडेंट रहता है मेरी फर्स्ट ना, तो सुनील देख कब आएगा कब आएगी, महीने का कह रही है हफ्ते का कह रही है, भाभी लग रहा है कि टाइम लगेगा इसको कम से कम डेढ़ महीना क्यों लगेगा, जो हफ्ते हो गया है हम ऐसे लग भी रहा थोड़ा सा इतना ज्यादा तो नहीं लग रहा, आप आ सकती है हाँ आप ठीक है दे रहे तो है ना ये सर ऐसी बोलते रहते हैं, पता नहीं मैं बहुत टाइम लगेगा
उनको कुछ नहीं पता जाएगी दस नहीं अभी लग रहा है महीना क्यों लगेगा तो वो मतलब ये सर्वे का क्वेश्चन भी आते दस सर्वे से रिलेटेड कोई क्लेश हो गया तो क्वेश्चन बीमार है ऐसा कुछ पूछ सकते सर्वेंट से रिलेटेड मतलब जो भी आपके घर में दो चार पांच दिन आने लग जाए तो उससे इमोशनल बॉन्डिंग होना बड़ी बात नहीं अब आलम है मेरे को मेरे कितना टाइम हो गया 12 साल हो गए 12-13 साल हो गए अब इससे मतलब ज्यादा कोई बात तो मेरी होती नहीं महीने में एक ही बार बात हुई सभी पैसे लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग उसकी भी होगी हमारी भी है ना कुत्ता घूम के आएगा नहीं आएगा तो छठे से घूमेंगे 2-4-11 तो आ जाए 2-4-11 नहीं आएगा नहीं आएगा मेरी शादी होगी नहीं होगी ये तो मेरी शादी हो तो असेंडेंट चलेगी नहीं किसी पर्टिकुलर बंदे से होगी नहीं होगी आपके दूसरा मतलब जैसे राखी सामंत मुझे क्वेश्चन है मुझे आपका क्वेश्चन है राखी सामंत से मेरी शादी होगी ठीक है ना तो आपको राखी सामंत से मतलब नहीं ना अगर 2-7-11 है इसका मतलब आपकी ये जो क्वेश्चन है प्रिटेंडिंग राखी सामंत तो उसमें 2-7-11 राखी सामंत से आपकी शादी तो कंप्लेन नहीं पा देना भाई सर ये अगर तो आपने 10 बताया 9 चाइल्ड इंडिपेंडेंट सर आप समझ लो 20 साल और आप नहीं बने तो 9th हाउस विल बी द हाउस ऑफ फादर मेरे फादर की प्रमोशन कर लेंगे अगर आप 20 साल और कमाने गए जब आपने कमाना शुरू कर दिया बेशक आप फादर के घर नहीं जा रहे कमाने का मतलब रेगुलर ऐसे गर्मी की छुट्टी में थोड़ा कमाए वो बात बोलो भाई तू सेवन सीधा अपने हस्बैंड को क्यों ना देखती नहीं नहीं कुछ नहीं देखना आप जन्म पत्र से मत देखो 9th हाउस समझ लो मेरा है वो मेरे टीचर का भी है मेरे फादर का भी है समझ लो मैं बच्चा हूँ 10-12 साल का वो गुरु के बारे में बता रहा है जन्म पत्री है फादर के बारे में बता रहा है 7th हाउस है अब ये कौन है ये मेरी वाइफ है वाइफ का हाउस नानी का हाउस कौन सा भाई मेरी मदर का हाउस मेरी नानी का मेरी वाइफ का हाउस सेम हो गया तो जन्म पत्री से मत देखो उसको उसको प्रश्न ज्योति से देखना मैं तो आंसर ही दे रहा हूँ मैं भी तो आंसर ही हाँ क्या क्वेश्चन एक हमारे पास का एक एग्जांपल अभी सर अपने नोट कर लिए कर ले हमारे पास का एक एग्जांपल है कि अभी ये हो गया ये बह गया अब तो क्वेश्चन तो यही है इजी अलाइव कर लो हाँ सिंपल अलाइव तो आ ही जाएगा वो हिंदी पिक्चर मत करो नोट लगी दोबारा चोट लगी तो जलाज वापिस आ रही है पिक्चर में तो वही चोट लगती है तो जलाज चली जाती है फिर वही चोट लगती है जलाज आ जाती है वो तो ये है कि वो जिंदा होगा तो बेकार इसमें मतलब रोटेशन कुछ नहीं करना असेंडेंट है ना उसका फ्रेंड है ना और वो एक्स वाई जेड होता तो असेंडेंट से अब तो उसका फ्रेंड है सभी चाहे वो गर्लफ्रेंड है चाहे बॉयफ्रेंड है चाहे फियांसी है फियांसी विल ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम 11th
ये क्वेश्चन देखने को बड़ा जो है वो लगेगा कॉम्प्लेक्स, आंसर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। बंदे ने पूछा हमसे, मैं हूं चंडीगढ़ में, पूछने वाला कहां है, पूना में। उसके जीजाजी की कार के नीचे एक बच्ची आ गई श्रीनगर के पास, बच्ची सीरियस है। अब बच्ची बचेगी या नहीं बचेगी, ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन, वो बह गया, बचा या नहीं बचा। अब जो पूछने वाला है उससे बच्ची का क्या रिलेशन है, जीजा से तो मतलब हम तो सिंपल है, पूछने वाले का बच्ची से कोई रिलेशन नहीं। अब हमने बोला एक नंबर बताओ वन से टू परसेंट, उसने दिया 201, ठीक है सर जी, हमने लगाया 201, सिंपल है। अब दशा भुक्ति अंतर है मर्करी केतु के, ठीक है। केतु क्या है, 27 मारक, 12 डेथ, ओ 1 तो सेल्फ है, ठीक है। अब बाकी सारे भी चेक कर लो सर, 127 ठीक है, सारे चेक कर लो। जैसे शनि नेगेटिव है, वो 12 7 ठीक है। अगर ये बच जाएगी तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 159 11। अब 11 यहाँ पर बड़ा टेढ़ा है क्योंकि वो बाधक भी है। अगर वो 6 8 12 के साथ आता तो नेगेटिव है, 5 9 के साथ आता तो पॉजिटिव है। बाधक में यू देख लो, तो बाधक में आप कंफ्यूज हो, जैसे ये है सन, इसमें 5 9 11 है, तो 11 को पॉजिटिव है। अब भी अगर ये नेगेटिव के साथ है, जैसे ये 6 8 वगैरह के साथ, तो हम इसको नेगेटिव में। अब शनि भी खराब है, जुपिटर भी खराब है, अब राहु क्या है, 1 ठीक है, 6 खराब है, 7 खराब है, 11 का हम कह नहीं सकते, 10 ठीक है लेकिन 10 रिकवरी नहीं होता था, 6 10 रिकवरी नहीं होता था, 4 रिकवरी नहीं होता था, 6 नेगेटिव है, 8 नेगेटिव था, इसलिए 11 11 नेगेटिव है। मार्च में भी 6 है, 12 है, 6 है, 7 है, इसलिए 11 भी मून तो आई 6 8 12। अब इसमें भी 5 9 पॉजिटिव है, लेकिन ये 2 7 12 7 वन का तो कुछ कहने को, तो सन को हम कुछ पॉजिटिव कहते हैं, बाकी तो सारे प्लैनेट नेगेटिव है। दैट मींस दिस चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, ही विल डाई। तो सर जब इस टाइप से, वो तो कह रहा आप आगे रेमेडीज में बताएंगे, पर अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है तो कुछ दान या कुछ मंत्र जाप से हम उसको कवर अप करते हैं सर। बच्चे के समझ लो कार चढ़ गई, उसका हार्ट बस्टी कर गया, अब वो समझ लो उस पर ही है, मशीन पे ही है, कहाँ बचे है, कौन सा मंत्र काम कर रहा है सर। ये समझ लें आप कि गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म का फल, हमारे धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भगवान फल देता, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी मुस्लिम वगैरह ही बोलते हैं कि भगवान या कोई आएगा वो फैसला करेगा। हमारे एक कहीं नहीं बोलता कोई भगवान फैसला, भगवान तो हम पैदा करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो गुलाम हूँ अपने भक्त का, हमारे कर्म का ही फल है, पूजा का कोई फर्क नहीं। ये पूजा के खिलाफ नहीं, मैं ये मत समझ रहा पूजा के खिलाफ हूँ या मैं किसी उपाय के खिलाफ। अगर हम भगवान का डर दिखाना बंद कर देंगे तो क्यों हो जाएगा, यहाँ भगवान के डर के चक्कर लोग लफड़ा नहीं करते। डर भी जरूरी है, बाप का डर, माँ का डर। अब मेरी औलाद नहीं सुनती मेरी, मैं क्या पढ़ लूंगा भाई, मैं जी बताओ आप बच्चे को नहीं पढ़ ले, बच्चा कहता है मैं नहीं पढ़ रहा मैं तो जा रहा हूँ बाहर, वो बच्चा निकल गया, आप ही रात 11 बजे उसको ढूंढ रहे हो, वो ना ढूंढता आप।
आप नहीं कुछ कर सकते भाई, भक्त के ये तो भगवान कह रहा है, वेरी राइट, बोलना मैं तो बेकार हूँ, भगत नहीं है तो वही बात है, मैं टीचर हूँ, आप नहीं हो तो मैं किस काम का भाई, कर्म का फल है। पूजा घंटा बजाना है तो आपके गलती कर दी और जज की फोटो लगा ली और घंटे बजा रहे ऐसे ऐसे ना जैसे, ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कर्म से निर्धारित है। आप देखे ना सर, सीरिया अफगानिस्तान फलाना डिगड़ा जितने मुझसे लड़ते मरे सारे पिछले 12-14 साल से, जब से ये धर्म पैदा हुआ, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। भगवान ठीक है कि कर्म करना चाहिए, पर उसके साथ साथ ये भी तो है ना कि चीजें एकदम कई बार सरप्राइज भी होता है कि चीजें एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होती हैं। कोई एग्जांपल दो, कुछ लोग डिस्कस किया है सर, एक बाधक के लिए एग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ, हाँ बोलो। अगर मान लीजिए मैं बाधक के लिए पूछा था एक चीज, बाधक बोलो सर, बाधक जो अभी हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे चार लगन के लिए, बाधक 11th हाउस होता है, तो बाधक हम जो पर्टिकुलर कुंडली देखते हैं उसमें भी ऐसे ही देखना है कि केवल प्रश्न ज्योतिष में देखना है? सबका तरीका एक ही है, हमारा तरीका नहीं होता है ऐसे। जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं उसमें देखते हैं भाई 11 देखना यार, तुम बाधक वो नहीं देखना, मैं ऐसे हमने ऐसे मीनिंग समझना, बाधक पॉजिटिव के साथ है यार, ऐसे नहीं है। हाँ जी अब ओके, मतलब सर अगर मैं वैसे बात करूं कि महाविद्या जो माता की शक्तियां हैं उसकी लोग तांत्रिक पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, उनके रिजल्ट्स मतलब इतने पावरफुल होते हैं कि दैट इंस्टेंट, ठीक है वो उसमें करेंगे फिर हम लोग, उसमें रेमेडी में करेंगे, आपने यंत्र बनाया, आपने जाना यहाँ से बंबई, आप जो नेचुरल है, नेचर ने आपने बनाया, नेचर के हिसाब से आप तो वॉक ही कर सकते हो या रन कर सकते हो, ठीक है सर, एक दिन में कितना वॉक कर सकते हो सर मैक्सिमम बताओ? 10-15 किलोमीटर, चलो 20 आ गया। अब आप बताओ मेरे को कि जो बम्बई है कितनी दूर है यहाँ? ठीक है ना, तो लैंड से देखोगे तो 1380 किलोमीटर पड़ेगा आपके घर से गुड़गांव से, ठीक है सर जी, 1380 नहीं बढ़ेगा, मतलब 1350 बढ़ेगा, आप साउथ में हो ना, 1350 करेगा। अब आपने 20 से इसको डिवाइड कर दो, कितने देर में पहुंचोगे सर? 70 दिनों, एक दिन का रेस्ट कर लीजिए, 2 दिन रेस्ट कर लीजिए, लेकिन वैसे एक दिन अगर 20 किलोमीटर चल रहे हो दूसरे दिन चलने नहीं वाले और भाई मेरे भाई तो भाई टांगे गुटी दो, ठीक है ना। चलो मैं कहता हूँ एक बार आदत पड़ जाती है तो आदमी दिन में 20 का 25-25 किलोमीटर भी चलता, तो मैं कहता हूँ चलो आप 45 दिन में ही पहुंच जाओ। अब आप हवाई जहाज में कितनी देर में पहुंचोगे? 3 घंटे, ठीक है ना, तो आपको 4 घंटे मैक्सिमम में, मतलब अगर वो है कि एयरपोर्ट पहुंचना हवाई ना 1 घंटे 50 मिनट, तो आपको यंत्र बनाना पड़ेगा, यंत्र में फ्यूल डालना पड़ेगा, एंड देन देयर इज अ मेथड, एडिट मेथड फेल्स एंड फ्यूल फिनिशेस, देन व्हाट विल हैपन? सो इट इज पॉसिबल बट देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट व्हेन वी विल बी डूइंग द रेमेडीज, एंड इफ ओनली दीज थिंग्स आर पॉसिबल एंड इफ दीज थिंग्स आर वेरी मच इफेक्टिव, तो फिर यही ठोक देते हैं साले पाकिस्तानी को, अभी ठोक देते, क्या जरूरत है हमें साले ये मिग शिग उड़ाने की, अभी कर देते हैं, हमें तो मारे तो पता ही है और हमें ही पता थे और हम ही गुलाम रहे हमेशा, भाई 1000 साल गुलाम ही रहे भाई, तो मुस्लिम क्रिश्चियन के, एंड देयर वर ऑलवेज इन माइनॉरिटी, जब अंग्रेज हमारे पास आए तो हमारी पॉपुलेशन टू देयर पॉपुलेशन की रेशियो ये था, क्या रेशियो, और हम गुलाम और हमारे पास ही विद्या, उनके पास आज तक भी विद्या नहीं, आज भी हमारे पास, तब भी हमारे पास, तो फिर क्या नहीं आया, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब इसी पेपर प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न करते हैं, अब आपका प्रश्न था मुख सवाल ना पूछ रहे हो, जवाब जा रही हो, ठीक है ना,
अब मेरे को सर एक बात बता दो, कोई ऐसा सवाल बता दो जिसको पूछने में आपको झिझक है, तभी आपने सवाल पूछा ना। तो इसमें क्या सवाल है पूछने, मेरी कार चोरी हुई ये पूछने में आपको क्या शर्म लग रही? तो कोई शर्म लग की बात होगी तभी आपने पूछा। कुछ क्या चीज हाइड करना चाहते हो? आप बेटी की शादी कब होगी, बेटे की शादी कब होगी, प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा, हेल्थ कब ठीक होगी, मम्मी की हेल्थ कब ठीक होगी। अच्छा, और लव अफेयर प्लस सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई समथिंग व्हिच इज नॉट, वही है ना, लव अफेयर सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी दोनों की बात एक है। और डिजीज हो, सेक्सुअल डिजीज हो सकती है, और बताओ सर। ठीक है, स्कैंडल होगा कोई ना कोई, या तो सेक्स स्कैंडल हो या फाइनेंशियल स्कैंडल, यही दो ऐसे स्कैंडल हो सकते हैं जो आदमी पूछने से झिझके ना पूछ पाए, यही दो हो सकते हैं, तीसरा तो हो नहीं सकता। चौथा एक और होता है कि लोग टेस्ट करते, होता कम है लेकिन कभी कभी हो जाता, पहले हम करते थे, अब उठा बंद कर दिया, ओपन मतलब ये प्रैक्टिस किया करते थे। फिर पहले जो स्टूडेंट आते थे वो पढ़ने की इच्छा से आते, फिर वक्त बदलने लगा जैसे जैसे, तो अब ये पढ़ने तो आते हैं लेकिन ये कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट आने लगे पीछे की जो ये बताना नहीं चाहते कि हम मूल करने आगे, ऐसा भी होने लगा। क्योंकि सर मैं जो इस लाइन में सबसे बड़ी ब्लैक शीट, एक मैं ही है, जब आप जब भी बात करते ना उपाय, मेरी बात एकदम बदल जाती है, मेरी बात जो है उसके अगेंस्ट आगे करना, तो मैं भी मानता हूँ आप सामने, लेकिन नॉर्मली आप जान भी जाओगे 99.99999 जो भी वो सबसे पहले उपाय की बात करेंगे, प्रेडिक्शन की बात नहीं करेंगे। मेरा तो बिल्कुल उल्टा है, मैं कहता हूँ प्रेडिक्शन करो, उपाय कहाँ से आ गए, वो कहते हैं उपाय करो, प्रेडिक्शन क्या होती है? कोई भी कुछ भी विद्या पढ़ा, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ाता हो, चाहे वो वास्तु पढ़ाता हो, चाहे कुछ भी पढ़ाता हो, जो वास्तु पढ़ा वास्तु से आ रहा है, वो बोला कि ये मटेरियल है, ये मेरी मेरे से ले जाओ और बेचो, और मेरी वाली टेप ठीक है, और दूसरी जो टेप है वो जो 2 रुपए मीटर है गलत है, मेरी 50 रुपए मीटर वाली, और तुमने लगो अगर खरीद ली 2 रुपए मीटर वाली तो फिर तुम देख लो, मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा क्योंकि मेरी जो है ये पेटेंट है, ऐसा है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत करी है, लेकिन धमका के पैसे कमाना वो गलत है। तीसरा गलत, क्योंकि बच्चे हैं उनको पता नहीं, बच्चे ना पढ़ने आते हैं उनको पता नहीं, और माहौल ऐसा बना देता है ये भगवान है, बोला ये भगवान है, भगवान के बाद बीजेपी मेरे से पूछती है, अडवाणी मेरे ही घर आता है, सनी लियोनी मेरे घर, सारे ही बोल रहे हैं, सबकी घर सनी लियोनी जा रही है, सभी घर अडवाणी जा रहे हैं, वो वेले ही सी काम, खुद बंदा डिप्रेशन में, खुद का घर में शांति नहीं है, खुद का लिवर खराब है, खुद किडनिया फेल है, खुद डिप्रेशन में है, खुद सवाल के जवाब में भागा है, और बोला मैं चला गया करने, खुद आया शक्ल देखो आम चूसे वाली चकल है, आपको पता चल जाएगा कि समाधि से आया है या बंदा या डिप्रेशन में था, वहां से पता चलता है सामने, तो वो छुपी तो रहती नहीं बात। तो पैसा कमाना तो चाहिए ना सर, अगर आप बलवान नहीं है तो वो बोलेंगे कि भाई ये खुद तो कमा नहीं सका, हमें कैसे कहें, तो दूसरे क्वेश्चन खड़े। तो यू शुड हैव एटलीस्ट दैट मच दैट यू आर एबल टू फीड योर चिल्ड्रन, जो आपके भी शुड बी एनफ, अच्छे सर्वाइवल के लिए ठीक होना चाहिए, बट इन लिमिट तो सर जी कोई है नहीं। मैं अभी इकोनॉमी क्लास में, फिर मैं इकोनॉमी विद प्रायोरिटी बुकिंग में जाऊंगा, फिर इकोनॉमी विद मोर लेग स्पेस में जाऊंगा, बिजनेस मैं चार्टर्ड में चला जाऊंगा, बट इफ आई वांट टू गो समवेयर आई शुड बी कंफर्टेबली गोइंग टू की करना सर। तो जो ये बात कह रहे हैं, ये जो शुरू हुआ था ना, ये शुरू हुआ था बड़ौदा का है, वो पिरामिड वाले अंकल जितेन भट्ट, जितेन भट्ट ने सिस्टम निकाला था ये कि उसने प्रोडक्ट निकाल लिया, जैसे आपने टीवी बेचना, तो सोनी का अगर आपका प्रोडक्ट है, आपको सोनी का शोरूम खोलना है, तो सोनी वाले आपको सारा का सारा जो आप जो भी इंजीनियर एम्प्लॉय करोगे जो भी है उसको ट्रेनिंग, सारी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन दिस इज
ये हमारा टीवी है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा हाई फाई सिस्टम है, ये हमारा माइक है, ये हमारा फलाना डिगरा उस, इन्होंने डिफरेंट सिस्टम दिया। इन्होंने कहा कि भाई ये हमारा पिरामिड है, ये हमारे वहां डिफरेंट डिफरेंट पिरामिड्स हैं, ये हमारी वो टिक्कियां शिक्कियां लगी, पीछे टिक्की से लगी है, ये काली टिक्की लगी है, उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया एज ए 200-400 उसकी रेट लिस्ट भी निकाल दी। अब जो सोनी क्या करेगी, सोनी तो आपको क्योंकि डीलरशिप दे रही है ट्रेडिंग देगी, ये क्या करेंगे, ये आपको 3 दिन की ट्रेडिंग देंगे, उसके पैसे भी ले लेंगे। तो उसके पहले तो पैसे पैसे तो पहले ले लेंगे, और साथ में हमारा प्रोडक्ट भी और यही बेच रहा है आपको। और अगर आपने बाहर से पिरामिड खरीद के बेच दिया, क्या होता है अगर वो पिरामिड बिकने लग जाते हैं तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरर आ जाता है, भाई साहब मेरे से ले लो, वो चिकन बट बेचता है 1000 रुपए का, मैं आप फिर लोग आने लग जाएंगे तो 500 रुपया देंगे वो। तो आप समझते फेसबुक पे जैसे आप डालते हो क्या नाम है पिरामिड, नहीं पिरामिड देवेंद्र, लोग तो सियाने हैं ना, आचार्य देवेंद्र, बंदे को पता चल जाता है जोशी है, वो स्टोन बेचने आता है उसके लिए। तो आप जैसे डालते हो महावास्तु देवेंद्र, वो महावास्तु वाले बना रखे वहां पे डालते हैं, फोन पे पूछ लेंगे आपको, व्हाट्सएप कर लेंगे आपको, या मैसेंजर में आपको लिख देंगे, पहुंच जाएंगे सर हमसे ले लो। आप भी बोलोगे यार 4 पैसा बचता है मेरे को, ठीक है, या फिर वो ऐसे वो वाला भी गए क्या अभी नहीं किया हो बता रहा हूँ, वो भी आ जाएंगे आपके पास, वो भी अपना माल बेच रहे हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस बेच रहे हैं, वो स्ट्रेस है, जमीन में स्ट्रेस है तभी आपको स्ट्रेस है, तो दिमाग में स्ट्रेस है तो ही सारा स्ट्रेस है, मेरे दिमाग में सारा स्ट्रेस ही नहीं है तो सारा नीचे का स्ट्रेस आगे क्या लेना, ये तो वो अपने बाप का क्या जा रहा है दुनिया, हमें क्या स्ट्रेस दी, हमें स्ट्रेस, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट उन्होंने बेचा जितेन भट्ट ने कि भाई ये प्रॉब्लम हो तो यहाँ यहाँ इस वाली डायरेक्शन में ये वाले पिरामिड लगाए ना और जिंदगी बदल। तो सर आप बैठे हैं यहाँ पर और मैं आपको बना देता हूँ देवेंद्र इलायची वाला बाबा, हम मेरे बैठे 20-25 आदमी तो अपने ही है, हम सब एक ट्रस्ट खोल लेते हैं। और देखो सर 1000 आदमी तो मैं ले आऊँ, 10 आप भी लोगे, 15-20 आप भी जानते हो, मैडम भी ले जाएंगे, आपके एक प्रवचन में हम कम से कम नहीं तो 1500-2000 आदमी खड़ा कर लेंगे। कुछ नहीं हमने करना उनको, अगर हम समझ लो राजमा चावल भी खिलाते हैं या हलवा भी बनाए खिलाते हैं तो हार्डली कोई पैसा लगता नहीं। तो उसमें मैंने देखा गुरुजी कह रहे छतरपुर की तरफ जो है दया गुरुजी का सिस्टम शुरू हुआ, तो वो मेरे पास आए मेरे पड़ोसी बोले कैसे ना पेन लगा के, तो यहाँ गुरुजी की फोटो कीरिंग पे गुरुजी की फोटो मैंने देख लो, गंजे वाले गंजे से हैं कुर्सी पे बैठे वाले, बोला नहीं। अब उनको खुजली बताने की काफी देर, मैं कहा यार बता ही दो यार ऐसा क्यों कर रहे हो, ड्रामा बता ही दो यार, बोलता कुछ नहीं सारे वहां पर हम जाते हैं अंकल कहते हैं लोगों को, लेडीज को आंटी कहते हैं, बड़ा उमंगी अच्छा है, आप भी कभी हमारे पास चलो जरूर चलेंगे सर, ठीक है सर, गंजे वाले मैं नहीं कह रहा गलत है ठीक है, मैं कहा सिस्टम कैसे फ्लोट होता है कमाई का सिस्टम, इतनी बड़ा पुराना सिस्टम कैसे कमाई का तरीका कैसे शुरू होता है, कमाई कराने के बड़े सारे तरीके, ठीक है। तो अब वो जो है उधर सारे वो अंकल आंटी कहते ऐसे ऐसे बोलने लगे, लेकिन वो जो मियां बीवी वो मेरे से ये पूछने आ रहे हैं कि बताओ मेरे बेटे की शादी कब। अब आप वहां जाते हो आपके सारे काम वहां सबके जो बन जाते हैं, तो जाते हैं मंगी आप भी चलो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा भजन होते हैं और जो भी लोग आते हैं उनके वहां काम बन जाते। अब मैं ये नहीं पूछ सकता हूँ सर के लिए आप शादी के लिए मेरे से पूछे क्यों हमारे बेटे, ये दिस लुक इंसल्टिंग, सो आई वोंट आस्क तुम्हारे पड़ोसी ना ये बताइए, तो मेरे बेटे को एक प्रॉब्लम है उसके नर्वस सिस्टम में, इन नर्व्स पे इंसुलेशन होती है सभी की, ये बहुत रेयर बीमारी है, लाखों में एक की होती है, उसकी इंसुलेशन में बिगड़ जाती है। तो आप अगर चाहोगे ना आपका हाथ ऐसे खड़ा हो तो वो करंट लीक कर जाता है, आपकी टांग ऐसे खड़ी हो, उस बच्चे को बीमारी, उसकी माँ डॉक्टर बोले उमंग जी मेरे बेटे को तो बीमारी है, अब हम जहां भी जाते हैं लड़की वालों को बताते हैं वो
मना कर देते हैं, हम झूठ बोलने से। अब उसका क्या है, एक हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता है, रेस्ट इज फाइन, इंजेक्शन लगता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर बहन जी मैं नहीं जानता, अंधे की भी शादी होती है, बहरे की भी होती है, दूल्हे की होती है, लगती है, आपके बच्चे की भी होगी, इससे कोई फर्क नहीं। डेढ़ साल शादी हो गई, ऑस्ट्रेलिया में है, बड़ा अकेला है, मैं अगर बहन जी हो जाएगी ना शादी में, कह रहा हूँ जन्मपत्री बता रही, मेरे को तो ये जानना, मैं दूंगा उपाय, मुझे पता है बच्चे की शादी होगी, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने सत्संग रख दिया बाबा जी, तो बच्चे की शादी हो तो आदमी अपने जो गुरुओं का सत्संग रखता है, जोशियों को सत्संग रखता है, तो हमने तो कभी क्लेम भी नहीं किया हम कोई गुरु है, वो ना है, ना थे, ना होंगे, ना बन सकते, ना हमारे बस का। हम तो टीचर हैं एस्ट्रोलॉजी के, पढ़ना भाई पढ़ो, नहीं तो आगे निकल लो, तो आए अपने मतलब बेमतलब अपना ना, फिर उसके बाद हम आपको गुरु वाली फीलिंग होने लग जाए, फिर पता चले राम रीम बापा बन गए, फिर प्यारे अब गलत फहमी होने के बाद में दिमाग खराब हो गया वैसे। अब वहां पर हम गए कि हो क्या रहा, हो गया कि सब ना एक फोटो रखी है कुर्सी पे मवल, सब आके कोई कीर्तन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, एवरीबॉडी इज कमिंग एंड टेलिंग अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंस इज अबाउट लाइफ। अज्ञा जी मैं अपना एक्सपीरियंस दसना जी, एंज होया जी ए देवेंद्र जी आए मेरे को, देवेंद्र जी ने जी मेरे अगे ना ए अपना कीरिंग रख दिता, ते पेन लाया सीगा बाबा जी का, मैं क्या पता नहीं कि ड्रामा मन सोचा देवेंद्र लिखा, ते मैं क्या देवेंद्र जी ए की हैगा, देवेंद्र जी ने क्या ते गुरु जी ने ते तुसी भी ऐसा सत्संग ते जाया करो, थोड़े सारे काम बढ़न लग जाएंगे, मैं क्या पता नहीं क्यों जी गल देवेंद्र जी कर रहे ने, ठीक हो भी सकता है, मैं तक विश्वास सीखा नहीं, पर मेरिया ना पेमेंटा बड़ी टक रही सीगिया, फिर देवेंद्र जी ने कहा तुम जाओ थोड़िया पेमेंटा आने लग जानियाँ, मैं कब उठे जाके पेमेंटा क्यों आ गई, कोई लॉजिक तो बनता नहीं, मैं मन नहीं किया जान लू, फिर जाया महीना हो गया मेरी पेमेंटा वो रुकी आ गई, फिर मैं एक दिन सोचा कि मेरी क्योंकि मैं चलिया जावगा, जो मेरी पेमेंटा आन गया तो मैं बाबा जी मैं जहाज जोड़ लेते, मैं कहा चलो एक बार जोड़ के देखने की आ जाए, मैं जहाज जोड़ लेते कि जी पेमेंट आ जान, बाबा जी मैं मेरी पेमेंटा ही मार लगे, पेमेंटा ही पेमेंटा आने लगे, फिर मैं सोचा चलो बाबा जी को चले जाने, नहीं फिर मैं BMW खरीद लेती, फिर मैं उत्थे चले गया, ते मैं जेड़ा गया बाबा जी दे ते उत्थे BMW आंदे ते मेले लगे हुए सीगे, ते BMW ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, सो वेरी स्पिरिचुअलिटी व्हाट यू आर सेइंग। हमने अपना खाना खाया, हम तो अपना उठ के आ गए, और लोगों में क्या संदेह जाता है हमारी समझ से बाहर, लेकिन चल रहा है अभी भी चल रहा है, बिल्कुल टनाटक चल रहा है। उस छोकरे को भी मैं ऑस्ट्रेलिया गया मिल के भी आया, ही इज फाइन, उनका बच्चा भी हो गया, दे आर वेरी मच फाइन, वेरी हैप्पी। बाबा जी का कोई काम नहीं है, बाबा जी को कोई लेना नहीं, बाबा जी तो है ही नहीं, बाबा जी थे भी या नहीं थे ये भी कोई नहीं जानता, फोटो पे चल रहा है ट्रस्टी माल कमा रहे, बात तो है कि इसका फायदा क्या, ट्रस्टी माल कमा रहे, आप बाबा बना देते देवेंद्र बाबा तो काम धंधा शुरू हो जाएगा। अब एक बार हमने कहने पेमेंट आए सर 20% आदमी की पेमेंट आए, मैं कहता हूँ 10% की भी आ जाए, ठीक है जी, 1000 का सत्संग हो गया, 100 तो रिपीट हो गए, 100 तो रिपीट होंगे, ये 100 और 10 ले आएंगे, लाइन ना खत्म होगी। हर उपाय में कोई ना कोई बेनिफिट होता जरूर है, किसी नाम बदलने से भी बेनिफिट हो जाता है, पता नहीं जी बात है। हम ये बिल गेट पहले यहाँ बिल्ली गेट खिड़कियां रुकता है सुबह, यही व्यायाम है ना बिल गेट खिड़की वाला। तो बात है यार कि मैं अपना नाम बिल गेट रख लूंगा तो मेरे पैसे आने चाहिए, उमंग कर रहा हूँ उमंग कर दूंगा तो मेरे पास पैसे आने, ऐसे कैसे बोलेगा, तो मेरी पत्री क्या कर रही है ऐसे से करा रही है, यहाँ मैं टमाटर रख दूंगा वहां गणेश जी रख दूंगा वहां फलाना रख दूंगा ढीगड़ा हो जाएगा सब हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा, गणेश जी तो हमने बनाया ना, किसने देखे गणेश जी भाई, ये तो सवाल, ये तो स्टोरी गलत है,
जो भगवान की स्टोरी गलत बताते हैं अपन ने। अब देखो सिंपल सी बात है, 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चों को अगर आप स्टोरी सुनाओ, ये गणेश जी, उसने पूछा मम्मी ये गणेश जी का सिर कैसे, ये हाथी वाला सिर मम्मी जी कैसे, देखो बोला बच्चा ना बेटा ऐसा था कि शिव जी भोले थे, वो तो अपने ये हुए थे वहां पर तपस्या करने, तो पार्वती मम्मी के साथ गणेश जो है वो रहते, तो पार्वती मम्मी को नाई नाई करनी थी, तो वो नाई नाई करने लगे, तो उसने कहा गणेश तुम नाई बाहर खड़े हो जाओ मैं नाई नाई कर लू। बच्चे का पहला उसने मम्मी वो नाई नाई कर रहे हैं तो उनके बाथरूम की कुंडी नहीं थी, तो बेटे ऐसे कुंडी नहीं होती थी, उधर ना पहले झरना होता तो झरने में करते नाते, बच्चे उस समय बच्चों को क्या पता झरने में नहाना क्या होता, 3 साल बच्चे चुप कर गया, तो गणेश खड़े हो। अब वो शिव जी आ गए, शिव जी बोले भाई तुम कौन, तो शिव जी उनके पापा थे ना, तो शिव जी बोले तुम कौन, तो गणेश जी बोले तुम कौन, तो पापा बेटे को नहीं पहचानते, बच्चे समझ नहीं आया, 2-3 साल के बच्चे थे, पापा नहीं समझे बच्चा को, बच्चे को समझ नहीं आया कि बच्चा पापा को नहीं पहचानता, पापा बच्चे को पहचानता, साला कौन सा खसम घर आई अभी, और जो त्रिलोकी जो सबको जानता अपने बच्चे को नहीं पहचानता, यार अजीब सी बात कर रहे हैं, गधों की बात कर रहे हैं पंडित, अब इस बच्चे को कैसे आप समझाओगे कि बाप अपने बेटे को नहीं पहचानता, और वो जो है वो त्रिकालदर्शी है, वो सारी दुनिया जानता अपनी औलाद भी जानता वो, और बच्चे को ये कन्विंस करना कितना मुश्किल है कि वो शिव जी को ऐसे को क्या खुजली थी कि 2 मिनट नहा रही थी कि अभी घुसना था उसको, अरे तू 1000 साल भक्ति कर रहा है पूजा कर रहा है तो 2 मिनट रुक जाना मैं नहा लेते फिर जो करना कर लियो, इतनी क्या डेस्परेशन है, बच्चे को मार देगा, होल स्टोरी इज रॉन्ग, आई सीरियसली ऑब्जेक्ट अबाउट इट। और फिर जो है कि उन्होंने कहा जी मार दो जी, और हाथी को मार दो, उसका हाथी का ये हमने बनाया भाई गणेश जी, कोई गणेश जी नहीं, ये बोला गणेश जी देख लेंगे, कोई ना देख रहा गणेश जी, गणेश जी को फुर्सत, अगर एक उनका फुर्सत नहीं है एक को देख लेंगे, उन्होंने हिसाब लिख दिया ये ऐसा करेगा तो ऐसा होगा वक्त, तो व्हाट दे आर प्रीचिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, आई टॉक अबाउट माई लॉजिक, आपको मेरा लॉजिक ठीक लगता है ओके, नहीं लगता है यू कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, मुझे कुछ नहीं लफड़ा, लेकिन इस तरह की सर 50 बाबे हमने पैदा होते देखे, मैं इस लाइन में तकरीबन 91 से, और 90 से इन बाबों के हिसाब किताब देख रहा हूँ, ये हो क्या रहा दुनिया में, आई एम नॉट अगेंस्ट अ बाबा बट आई हैव सीन राइज एंड फॉल ऑफ बाबा बिकॉज दे हैव बिकम बाबास, इफ दे वुडंट हैव बिकम बाबा दे वुड हैव सिंपली बिकम रिमेंड अ टीचर लाइक गुरु गोविंद सिंह, लाइक गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक भाई, मेरे को मैं कुछ भगवान नहीं कुछ नहीं, जो मेरे को भगवान के नरक पे साफ बोले गुरु नानक, हाँ गुरु नानक जी ने बोला जो मुझे भगवान के वो नरक में जाए, गुरु तेग बहादुर मैं अपना शीश कटवाता हूँ, कौन बाबा कटवाएगा अपना शीश बताओ, जाएगा बाबा, गुरु गोविंद सिंह लड़ने को त्याग रहे अपने बच्चे उन्होंने बताइए तो जाएगा गुरु आज सारे ऐयाशी कर रहे, ऐसी कह रहे गुरु गोविंद सिंह के पास मिलिटेंट अगेंस्ट दिस मुगल्स नॉट अगेंस्ट मुस्लिम अगेंस्ट मुगल्स बाय बिकॉज ऑफ औरंगजेब, बड़े बड़े गुरुद्वारे आनंदपुर साहब, नहीं नहीं दैट इज राइट यार, हमने उनको गुरु बनाया भाई, मैं कह तो रहा हूँ भाई हम बनाते हैं वो नहीं होते, गणेश को हमने बनाया, गणेश कहाँ से आ गए, हम बनाने वाले हैं भाई, ये कमाई का धंधे उन्होंने खोल लिया, पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी बनाते हैं, अजीब अजीब स्टोरी है, मतलब किसी यार शिव जी जो है जो खुद जो है न्याय का कारक है वो अन्याय कैसे करेगा, आमिर मरे सिंह ये पॉइंट आपका वैलिड है, मतलब आई वाज आल्सो थिंकिंग कि बच्चे के ऊपर जो है वो करा और गर्दन काट, बच्चे की गर्दन, हाँ बच्चे की, और सबसे मेन चीज की ठीक है उसने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है होल्ड डाउन यार 5 मिनट रुक जाए, केड़ी आग लग रही है, मतलब मम्मी ना रही है, यही कहा होगा ना, वो स्टोरी कैसे है यार आप बताओ, एक बच्चा है, मैं एक एग्जांपल है, तो बच्चा है, कई बार हम मस्ती में होते हैं, बच्चे के हाथ में टॉफी होते हैं, हम छीन ऐसे और रोने लगा, हमारे हालात खराब होते हैं भाई, बच्चा रोना भाई क्या, आपकी माँ मारेगी,
तो जो त्रिकालदर्शी है, जो भगवान है, वो इतना बड़ा अन्याय करेगा, हमें तब लग रहा होता है यार हमने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मतलब अंदर का गिल्ट फीलिंग होती है। और भगवान जो शिव है वो अपने त्रिशूल से बच्चे का सिर काट देंगे, वो बच्चा किसी का भी है यार, मान लेते हैं ना, शिव जी नहीं जानते, जस्ट फॉर दिस कि बच्चा कह रहा है बच्चा, इसी बात पे तो तू ऊपर से निकल जाए कूद के निकल जाए जरा सा, तो कि आग लग रही है। और उसके ऊपर एक चीज और दिखाई कि बाद में पार्वती माता ने जो है ये दिया था सारे देवताओं को कि जैसे मेरी संतान का इस टाइप से नुकसान करा, तो आज से देवताओं का कोई भी बच्चा नहीं है। पूरा परिवार है, बोलो अब हम क्या करें भाई, अब हम बना नहीं सकते, हम बोलो बोलते है ना पार्वती जी के महल से पैदा हुए थे गणेश जी, अगर उन्हें नहाने का ही शौक नहीं था इतना महल इकट्ठा कर लिया उन्होंने। ठीक है मतलब लॉजिक वी आर टॉकिंग राइट। अब वापिस आते हैं, वो जो मूल प्रश्न है बात यहाँ से उठी थी कि वी कैन ऑल्सो मेक ए ड्रामा लाइक दिस, लेकिन वो हमारे पतन का कारण होगा कल, आज तो हम नोट कमा लेंगे भोली भाली जनता से पैसे ले लेंगे, लेकिन हमारी औलादे खराब हो जाएंगी सर, हमारा मेरा जो बेटा है वो मेगा 30-35 हजार रुपए की नौकरी करता है और कर रहा है, पैसा कमाने का दर्द तो पता चल, मेरा बच्चा मैं समझता हूँ आसाराम के बच्चे से बहुत बढ़िया, वो डर के भाग रहा था एंड ही वाज अरेस्टेड, आज तक अंदर है क्यों, मतलब फ्री के पैसे देते, हमारी औलाद है फोन करते कम से हमारी औलाद फोन तो उठाती है हमारा बहुत है, हमने देखी औलादे लोगों की खाली बात नहीं करते, औरंगजेब को देखो अपने बाप को उठा के अंदर कर। तो आप अगर आपका जो पैसा है सर वो ढंग का पैसा होना चाहिए, मेहनत का होना, ये पहले हमें समझ में, मैं छोटा था मेरी मदर कहती थी बार अपने समझ में नहीं आती थी बात करने यार फ्री में आ रहा है अपना क्या जा रहा है, मम्मी कैसी बातें करती, मम्मी कैसे यार डैडी भी हमारे ऐसे वैसे सत्संगों में जाते ऐसे वैसे वैसे शांत, लेकिन उनकी बात अब पल्ले पड़ती है एक एज में समझ में, अब आ जाता है मूक प्रश्न। तो मूक प्रश्न जो है उसने क्या है कि अब सवाल नहीं पूछ रहा जवाब, तो इट कैन बी अ स्कैंडल, पहले हम पहले अपने भी समझ नहीं आते, जब पहली बार सवाल आया तब हमारे भी दिमाग में नहीं आया था, तो गुरु जी ने तो सिर्फ ये पढ़ाया था कि वो सवाल पूछेगा आप नंबर ले लेना और जवाब दे, जैसे गुरु जी का दिया मुझे फॉलो कर, शुरू आगे तो आदमी ये करता, फिर जब आपको परेशानी आएंगी फिर आपके क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही हो। तो बाई चांस ये जो क्वेश्चन आया मूक प्रश्न, तो गुरु जी बस गया, हम गुरु जी के साथ ही, तो तब हम प्रोग्राम था टीवी पे, हम प्रोग्राम देखते थे कि लोग 60-70 ऐसे लोग आ जाते थे पटेल नगर में आस पास के, वो क्वेश्चन पूछते थे हम सामने आंसर देते थे और दो कैमरे लगे होते थे, ये पूछ रहे हैं ये बता रहे हैं, बुक देते थे क्वेश्चन पूछा सीट ले लिया हमने बता दिया। तो दो लड़के थे वो बैठे, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जब क्लास जब वो खत्म हो गए प्रोग्राम, तो उनमें से एक बोल रहा है कि ना सवाल पूछ रहा हूं, सवाल नहीं पूछ रहा जवाब चाह रही हूं, ये कहां की लैंग्वेज है, ना आ रही हूं ना जा रही हूं, बखड़ा खड़ा इतना रही हूँ आगरा या मथुरा, ठीक है ना, ये यहाँ की भी दिल्ली में ना ये यहाँ की है दिल्ली की जो है ना सर जी, ये दिल्ली की है दरियागंज की इधर की है ना ओल्ड दिल्ली की। अब हमें तो मालूम नहीं था इसका करें क्या, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो जवाब चाह रहे हो, अब हमें मालूम नहीं भाई क्या, अब गुरुजी की तरह हम शक्ल देखे गुरु जी बस बचाओ यार ये कहाँ फंस गए, ये तो हमने सोचा नहीं था, अब
20 30 लोग वैसे घेर के खड़े रहते जब तक आप अपना सामान सामान पैक कर रहे होते थे। सामान क्या पैक कर रहे थे, हमारे पास लैपटॉप होते नहीं थे, मैं तो बात कर रहा हूँ 95-96 की, तो कागज में बना के जाते थे। तो अब जवाब ना दें तो बेइज्जती, जवाब दें तो दें कैसे। तो गुरुजी ने हमें इशारा किया कि भाई तुम ना सीट ले लो, हमने सीट ले लिया। आपने खुद ही ले लिया? उसको दिया। अच्छा, उससे ले लिया ना। अच्छा, तो उसका आया 5-8-12 हज़ार। जैसे अभी आपने देखा पर्स कब मिलेगा, तो उसमें ज्यादातर 6-10-11 थे या 3-11 थे। जब ब्रेस्ट कैंसर का क्वेश्चन आया उसमें 5-11 थे, तो इसमें ज्यादातर 5-8-12 थे। अब ये 5-8-12 कैन बी सेक्स स्कैंडल ऑल्सो एंड फाइनेंशियल स्कैंडल। अब हम जवाब क्या देते, ये तो समझ में आ गई। तो गुरु जी ने हमें इशारा दिया जवाब दो। अब हम जवाब क्या दें, अब जवाब ऐसा देना है कि भाई हमें उनको लगे ना कि हमें सवाल समझ नहीं आया। लोगों को लगता है कि हम जो है ना, जैसे हमारे को कोई ऊपर से टीवी दिखता है, तो नहीं दिखता भाई, लेकिन लोगों के हमारे तरफ अपेक्षाएं बहुत अधिक होती है हमारे पास, लेकिन हम उतनी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकते टू बी वेरीफाई, बट वी कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई हम भगवान नहीं है भाई, तो ऊपर से टीवी नहीं चल रहा भाई, ये साइंस है, तो कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपके क्वेश्चन के उत्तर आधारित उत्तर दिखेगा और इससे ज्यादा आप नहीं कह सकते। बट दे वोंट अंडरस्टैंड, वो तो ऐसी बातें करते हैं जी, आते रहे अजी हमारे वो काजी साहब लिखते थे, उनके ना पेन से चिंगारियां निकलती, क्या चमत्कार होते भाई, चिंगारी निकल गई तो आग पटना जल नहीं जाता भाई। मुझे आप कैसी बातें करते हो, मैं बताना तू कैसी बातें कर रहे हैं, चिंगारियां निकलती तू भाग नहीं गया, क्या क्या बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें करेंगे जो हो नहीं सकती, ऐसी उसी बात। उनको लगेगा हम भी ऐसा कोई मतलब ऐसे टमाटर आलू ऐसा कोई निकाल गया कोई, ऐसा तो मैजिक शो हो जाए, वो निकाल के देगा कबूतर भी उड़ाएगा, हमें आता नहीं भाई, हम तो प्रश्न का उत्तर देते ना भाई। अब 5-8-12 दशा भुक्ति अंदर में आगे आ रहा, तो अब वो बोला तो वो सवाल है, सवाल ना पूछ रहे जवाब चाह रही। अब वो पूछा भी नंबर दे दिया हमने, देख दिया बोले क्या जवाब है, तो वो कब ऐसे चलेगा, बोलता ऐसे कुछ नहीं चल सकता जरा, मैं कहा नहीं हमारा तो जवाब है ना, मैं ऐसे चलेगा, अब हमें तो पता नहीं ना, क्योंकि 5-8-12 तो ऐसे ही चलेगा, 5-8-12 ऐसा क्या चलेगा हमें भी नहीं मालूम होगा, हमें सवाल नहीं मालूम, लेकिन हम इसको कह नहीं सकते ना कि हमें सवाल नहीं मालूम, हमारी प्रॉब्लम है ना सर। अब वो कह रहा है कि जनाब आप सवाल नहीं समझ पा रही है, अब हम कह रहे हैं जवाब नहीं समझ पा रही है, तो हम कह सके कि बात तो ठीक कह रहा, हम तो सवाल नहीं समझ पा रहे, हमें तो पता ही नहीं क्या सवाल है, बोल रहा है तुम सवाल नहीं समझ पा रही हो, ये ऐसे नहीं चल सकता, उसके हिसाब से वैसे नहीं चलता ना, चल सकता है। तो बोलता जनाब आप सवाल नहीं समझ पा रही, मैं कहा तो जवाब नहीं समझ पा रही है, ऐसे ही चलेगा, बोलना जनाब ऐसे नहीं चल सकता, मैं कभी ऐसे ही चलेगा, हम तो कह रहे वो जनाब चल ही नहीं सकता ना। तो उसके साथ आएगा लड़का, बोलता सवाल बता देना, नॉर्मली बता देते हैं बाद में, हिल उज्जत करके ना, अंदर अंदर रह नहीं पाता, यही देखा। बोलता जन अब उसने तो नहीं बताया, उसने बोला जनाब बात ऐसी है, जिस लड़की का लपड़ झपड़ है ना उसकी तो आज शादी है। मैं कहा भाई शादी है तो हमें क्या, तेरा तो ऐसे ही चलेगा, बता रहे ना तो समझ क्यों नहीं पा रही, तो शादी से क्या मतलब भाई, नहीं शादी अपना चलता रहेगा हमें क्या, ठीक है। अब हमने जवाब दे दिया, अब हमें पता नहीं था सर ये फाइनेंशियल स्कैंडल है, सेक्स स्कैंडल है, क्या है, हमें क्या मालूम। अब वो उसके क्वेश्चन आज पर हम उसका मन तो देख नहीं सकते, कॉम्बिनेशन आ गया जवाब, हमने कॉम्बिनेशन ठीक है 5-8 वाला, तो दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं, इधर फाइनेंशियल स्कैंडल और एक और मैं बताता हूँ आपको, हम बताते नहीं यार, बताते अब दूसरा है दिवाली मेले पे, हम दिवाली मेले बैठे फर्स्ट है 98 की बात है, जो फर्स्ट मेरा ग्रुप था, तो उन पे पहले ये कराया करता था, क्या नाम है इंटर्नशिप टाइप की। अब तो स्टूडेंट ना वो चाहते हैं कि उमंग प्रिया के साथ हम कैसे बैठ जाएंगे भाई, क्योंकि ये तो मतलब जो है लोगों को लगेगा कि भाई इसके स्टूडेंट है, क्योंकि लोग जो है स्टूडेंट जो है बताओ ना ये चाहते रहते हैं,
सिस्टम बना रखा है, ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स क्या है, हर तीन महीने दो महीने महीने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो तू प्राइस दे मुझे दे मैं प्राइस दूंगा, ये चलता रहता है। सो इफ यू आर एसोसिएटेड विद मी देन दे विल से डोंट गो टू हिम, ग्रुप से बाहर करते हैं। मैं अगर साथ एसोसिएटेड उसको बोलता तू तो जाता है, तो वो बोल देते हैं ठीक है भैया हम उमंग रहे आगे साथ, हम तो जो है भाई हम तुम्हारे साथ, तो वो एसोसिएट ही नहीं हो जाता कि भाई उमंग ने आया था तो वो मेरे साथ मतलब, तो जैसे ये लगता ना तकदी मैदान को, तो मैं अगर स्टॉल खोलूंगा तो मेरे स्टूडेंट ही मेरे साथ निकले काफी, वो मैं तो इंटर्नशिप कराने के लिए बैठा हूँ भाई तुम आओ वहां पर स्टूडेंट आएंगे सॉरी क्लाइंट आएंगे तो 100 रुपये क्वेश्चन लेते हैं, 100 रुपये क्वेश्चन पूछते जाएंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुमने पहले कभी किया नहीं, मैं तो इस पॉइंट अभी उसे तो फिर मैंने बंद कर दिया वो, दैट इज दैट कॉस्ट मी अलॉट 50,000 रुपए का स्टॉल, फिर दिहाड़ी के 1200-1500 रुपए वो भी लगते हैं, कुर्सी मेज चाय पानी लंच लाना डिगड़ा एंड 9 days आर वेस्टेड, जो मैं यहाँ पर 1100 रुपए क्वेश्चन देता हूँ वहाँ 100 रुपए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी 50,000 रुपए दे के तो मैं सिखा दे रहा हूँ, मेरे को क्या जरूरत पड़ी ऐसे सीख रहा हूँ। तो पहले स्टूडेंट सीरियस थे उन्होंने सीखना ही, तो वो जो है एक आया बंदा बोला कि जैसे आप सबसे आगे बैठ गए, वो गगन था एक्चुअली, तो उसने पूछा कि मैंने एक वो करिए डील किया है तो डील में लॉस होगा या प्रॉफिट, वो क्वेश्चन लगाया था तो यू ऑल्सो सी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो पहले हम हाथ से बनाते थे हमारे पास ये तो होता नहीं था, तो उसने कहा कि भाई जब निकाला तो हम फिर क्या करते थे हाथ से वो एक कॉम्बिनेशन लगाते थे और उसको तो हमारे पास कंप्यूटराइज बन जाता था, तो हमने बैठे साथ में तो हमने कहा कि भाई ये तो लॉस आ रहा है तो तू उसको बता दे भी लॉस हो ठीक है स्टूडेंट को, हम आपस में बैठे ना पहले डिस्कस कर लेते, बंदे को भेज देते भाई तुम जाओ 15 मिनट बाद आए, तुम हाथ से भी निकाल लेते थे आज में मतलब 5-7 जो भी क्लास के स्टूडेंट होते थे 10 हो गए 15 हो गए बैठ के डिस्कस कर लेते थे, प्रैक्टिस होगी ना, फिर एक जिसने सवाल लिया उसी होगा तू आगे, अब वहां पर तो नहीं पता ना कि कौन स्टूडेंट है कौन, तो मेरी उम्र भी तब कम थी जो सारे मेरे से बड़े ही होते थे तो किसी को पता भी नहीं होता था ये टीचर कौन, तो फलाना वो तो कहते थे ग्रुप है हमारा तो एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजर काम करते मिल गया, तुझे कह लेना तू अपना सवाल 10 रुपए लेते थे 10 रुपए दे निकल रहा है 20 रुपए तब 20 रुपए हो गए, तो उसने मैं जैसे क्वेश्चन दिया हमने क्वेश्चन भाई, तो अब ये क्वेश्चन है सर जी 11-10-98 का क्वेश्चन आया कि विल आई गेट बेनिफिटेड इन दिस डील यस और नो, ठीक है सर जी आप डेट देखो 98 है अब उसने गगन था वो तो 21-22 साल लड़का था, उसने कहा जी लॉस होगा, अब वो अड़ गया वो तो लॉस तो हो नहीं सकता राहुल, देखो ना लॉस है मरकरी भी लॉस है अक्टूबर 98 राहु मरकरी लॉस है, केतु भी खराब सन खराब मून खराब मार्स खराब सारे खराब ही हैं वीनस को छोड़ वैसे भी, तो एक आपको क्लियर इंडिकेशन भी आ जाता है, अब उसने कहा लॉस होगा वो बोले लॉस तो नहीं सकता, अब आप पहली बार क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आप मेरी थोबड़े को देखोगे मैं पीछे बैठा हूँ आगे बैठोगे योर कॉन्फिडेंस विल गेट शैटर्ड, कि क्या गलती है वो मान नहीं रहा, तो मैंने उसको कहा तू बोल तू तो बोल ना यार तू क्यों डर रहा है हाँ, तो उसने कहा नहीं जी लॉस, तो बोला नहीं मुझे लॉस होने, फिर मैं आ गया मैं कहा सर
हमारा जवाब है लॉस है, आपको लग रहा है लॉस नहीं हो सकता, तो मैं ये तो फ्यूचर बताएगा ना, बोलते बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मगर सर सीधी सी बात देखो, आपने हमको 20 रुपए दिए, ठीक है, आपने पूछा कि लॉस होगा या प्रॉफिट, इसका मतलब आपको कम से कम 1% तो है कि हो सकता लॉस हो, नहीं तो 20 रुपए देने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब आपने दे दिया, हमारा जो आएगा लॉस है, अब आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, 1% नहीं होता, 99% तो हमारी बात ठीक है, हम कह रहे हैं हमारी ठीक है, अब इसमें लफड़ा क्या होता है, लफड़ा तो कोई है नहीं, हम कह रहे हैं लॉस है, प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहेंगे प्रॉफिट हो, लेकिन आपको लॉस ही होगा, ये 100% ये हो नहीं सकता, बोलते ना ठीक है। मगर सर फिर मेरे को डीप देखना पड़ेगा इसके अंदर, 2 मिनट तो, अब आप सिर्फ कॉम्बिनेशन देखो, इसके अंदर आपको जितने कॉम्बिनेशन के बारे में ज्ञान होगा आपको उत्तर निकल निकल के आएंगे। मर्करी में आपको कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है अदर देन लॉस जो मैंने पढ़ाया हो? लिटिगेशन सर? हाँ नहीं, लिटिगेशन का कोई कॉम्बिनेशन के आसपास का कोई कॉम्बिनेशन? आठ आठ बार दो तीन आठ बार आया, दो तीन आठ बार किसका होता है? जेल का, ठीक है। राहु में भी 3-4-8-12 है अंडरग्राउंड का, ठीक है। तो बड़े खतरनाक कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, सिर्फ लॉस के नहीं है और डेंजरस, 7-8-12 भी है कत्ल वारत के, लड़ाई झगड़े के, ठीक है। तो मैं कहा सर हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी आप, मैं वो भी बोलेगा आपसे शेयर कर लूँ, बोले बोलिए। मैं कहा आपने ज्यादा लफड़ा गया ना तो आपके मर्डर भी हो सकते, आपको जेल भी हो सकती है, आपको भागना भी हो सकता है, बोलता हाँ ये सब हो सकता है। तो मैं कहा पैसे भी चाहिए, अब पैसे भी चाहिए भाई, कत्ल हो सकता है तेरा, झगड़ा हो सकता है, मारपिटाई हो सकती है, जेल हो सकती है, अंडरग्राउंड होना पड़ता है, पैसा भी चाहिए। मैं कहा आप खुद मेरे मालिक, आप खुद मान रहे हो ये सब हो सकता है, तो अब प्रॉफिट कहां से दिलाऊं, प्रॉफिट भी दिलाऊं? अब वो तब शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है आदमी की, भाई हम यहाँ तक हमने देखा ये है 11 अक्टूबर 1998 का, अब उसके बाद उसका इंटरेस्ट हमारे में, ठीक है। अब वो रोज आता रहा, अब वो रोज आए, जब हमारे से बातचीत हमें देखेगा अगले में बात करते, उसको समझ में आया भाई ये टीचर है बाकी स्टूडेंट है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली लोग अपना क्वेश्चन का आंसर लेके निकल जाएंगे, उनको क्या लेना देना हम कौन बैठे कौन। तो उसने फिर बोला बोल जी आप कौन हो क्या, मैं कहा भैया हम कौन है क्या कुछ नहीं है, हम काम कर रहे हैं, 20 रुपए ले रहे हैं भाई साहब, लोगों की जो भी हमारी समस्या है काम कर रहे हैं, हमारा ये लो हॉबी है, आपको क्या लेना है। तो वो एक और आदमी को लेके आया 14 अक्टूबर में, मैं 23:39 बट तो हमने तो वो चीज पकड़नी ना सर जो उस चीज से रेलिवेंट, 12 नहीं 5-8-12 ना सर, सर 5-8-12 हाँ हाँ अभी आएगा ना आपके सामने, सर आपके सामने आ रहा है, वही वही आ रहा है आपके सामने, मजे लोग सर आपके सामने ही आ रहा है। देखो आप स्टेशन बोलते हैं, अभी आपको ये बात समझ में आएगी, वो एक दूसरे बंदे को लेके आ गया, टाइम क्या 12:40 अब इसने पूछा, इस बंदे ने पूछा कि मैंने डील किया है मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दशा 98 राहु राहु, ठीक है। पहले क्या था राहु मरकरी, अब क्या मरकरी राहु, दोनों का उल्टा, ठीक है। अब मरकरी राहु क्या है, मरकरी है प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मरकरी में प्रॉफिट हो रहा है सर, राहु प्रॉफिट है बहुत ज्यादा, पूरे पत्री देख लो, सिर्फ वीनस को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट उसमें उल्टा था, वीनस ही अच्छा था बाकी सारे खराब थे, ठीक है ना। अब वो गगन ने मेरे से ये ना, ये तो बंदा देखता रहा कि भाई क्या हो रहा है, वो बंदा जिसने सवाल पूछा जो इसका जानकार था वो चला गया। तो हम दोनों बात डिस्कस कर रहे, रात 12 बज रहे,
पहले वाले बंदे के पहले वाले वो तो खड़ा रहा है, क्या जवाब देते हमने तो जो है वो जो आप आपस में बना लिया। मैं गगन गगन बोला वो हाथ से उसने बनाया भैया इसका ना वो सिर्फ 6-11 आ रहा है, अगर भाई 6-11 आ रहा है तो इसके बल्ले बल्ले आया ठीक है, ये खड़ा बोलते इसकी बल्ले बल्ले कैसे, मैं कहा भाई साहब आपको क्या लेना उसकी है ना, आपको क्या लेना, बोलते ये मेरा पार्टनर है, मगर फिर बात समझ नहीं आई तेरे जो आप कह रहे कि तेरे वो चाकू पीछे घोंप के चला गया, पैसा वो ले गया, तू तेरे कुछ नहीं मिलना, अब तू अगर इससे पैसा मांगेगा ये तेरे को ठोक देगा, यही है सामने सारे मतलब समझ में आ गई, अब बोलता भाई साहब अलग से मिलना है, अलग से नहीं मिलते। अब क्या उसने मुख प्रश्न पूछा, he is not opening his cards but combination are opening the cards, you are understanding, kai matlab jo jo prashan jyotish mein aa raha hai usme jo extra combination hai they also mean something, it is not only, ek to bada simple hai bhai isse meri shaadi hogi simple hai, lekin usse related question ho sakta hai na aage meri married life kaisi rahegi, uske liye aapko seat nahi badalna hai, yahi sawal hai ना, फिर आपने आगे की दशा बुक के अंदर चेक करना, सीट नहीं बदलना सर, आपने सवाल पूछा कि मेरी काकी संबंध से शादी होगी, अब आ गया 2 साल गया, अब आएगी मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हो तो हम आगे के दशा बुक के अंदर देखेंगे कि मैरिज चलेगी नहीं चलेगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है दे विल बी आंसर्ड विद द सेम शादी, तो लाइफ एक ही बात है, उन्होंने एक अब उसने पूछा मेरे बेटे की शादी, मेरे बेटे के नंबर कितने, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है, ये पूछा मेरी बेटी की शादी कब होगी, उसकी मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, और फिर पूछा मेरी प्रमोशन कब होगी, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए, तो उसके लिए द सीट विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। अब आएगी 2 डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर ठीक है वो डॉक्टर, तो हम 2 सीट लेंगे डॉक्टर एक्स डॉक्टर वाई, जिसके 1511 आएंगे वो बेटर, जो जिसका या बेटर आएगा कंपैरेटिव, दोनों के खराब आ रहे हैं तो इसका मतलब रोग असाध्य हो सकता है, रोग भी तो असाध्य हो सकता है, लेकिन अगर प्रश्न ज्योतिष कर रहे हैं तो ज्यादातर कोशिश यही करनी है कि एक ही प्रश्न का उत्तर, नॉट मोर देन जो पूछा है उसके, नहीं नहीं सर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो जितना मर्जी पूछो वो तो बात नहीं, बट उसी से एक ही, जैसे उसने पूछा बेटी की शादी, फिर बोलता मेरी प्रमोशन, फिर बोलता मेरी बीवी की हेल्थ, फिर बोलता मेरी दादी का फलाना, फिर मेरा पड़ोसी का ठिकाना, ऐसा नहीं, एक ही पूछेगा भाई बेटी की शादी या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, बहुत लफड़ा है अब बेटी की शादी बेटी होगी 32 साल की, ये सस्पेंड चल रहा है, फिर तो दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, दोनों लेना, लेकिन वो पूछ ही जा रहा है इधर उधर 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 दुनिया, फिर उसका कोई आंसर ठीक भी नहीं आएगा, क्योंकि यस मतलब एक बार में एक ही क्लेश ज्यादा तंग कर रहा है, ये तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई है, तो एक क्वेश्चन अगर दूसरा रेलिवेंट है बड़े सारे वो भी रेलिवेंट है, देन पहले इनटू कॉमन ऑन द सेकंड कम अगेन, और आज अगेन आज नहीं सर मतलब फोन पे करेंगे, आज तो लोग आते हैं तो भाई फोन पे पूछ लेना, कल पूछ लेना, एंड दे शुड अप्रोच यू शुडंट, आप हाँ जी वो आपने कल पूछा था आज फिर पूछना है, हाँ जी पूछ लो अब ना, हो तो उसे कल मन में ना आवे, कई लोगों के सुधर ही जाते हैं, कई लोगों के सुधर खुजली होती है, खुजली है उमंग जी मेरी ना BMW मेरा हस्बैंड कह रहा है मैं भेज दूंगा तेरे को ना, मैं वो लेके दूंगा होंडा सिटी, तुम मांगी है तो बड़ी गलत हो जाएगी बात, मैं जी कल मैडम बात कर लूंगी, नहीं नहीं मेरी अभी दे दो मैडम, मैं कल दूंगा, मैं कहीं बात सवेरे लड़ाई हुई रात को लड़ाई खत्म हो गई, हस्बैंड भाई सवाल ही मेरा पॉसिबल है, लोग तो मैं जली जली बातें भी पूछते, पूछने वाले बतेरा कुछ पूछते, तो एक हो गया, अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ, question should be serious, he should come to us, we can take question in person, we can take on phone, whatsapp, etc. hum seed lenge between 1 to 249 se upar ho gaya ya usne bol diya 0 to answer is negative, ab jo uska uttar aayega
वही कॉम्बिनेशन देखने हैं जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ाया, प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट तो 4-11 का, मैरिज तो 2-7 का, प्रोफेशनल सक्सेस 2-10 का, प्रमोशन 2-6, ट्रैवल 3-9, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा 3-11, 3-10-11, 3-6-11, 3-10, PR सेम, सिटीजनशिप सेम, वही वीजे वाला कॉम्बिनेशन वही है, ठीक है। और अगर उसने अपने किसी रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना तो उसको हम कंसल्टेट करते हैं, अगर रिलेशन बड़ा दूर का तो फिर हमें असेंडेंट से लेना, ठीक है। अब इसमें फर्दर क्वेश्चन बचते हैं, हाउस जो आप रोटेट करने की बात करी थी थोड़ा सा मेरी हाउस, हमने उसमें तो सॉफ्टवेयर में तो रोटेट कर दिया कि हमें पता चला कि दैट इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट साइड, तो उसको हम उठा के पहले घर में ले आए, राइट। अगर वहां पे ले उसमें वो सीड काम नहीं करेगा सर, उसी का ही तो बोलो, सीड तो काम करेगा, समझ लो ना सर, सीड है 25। हाँ जी, ये तारा सर, सीड अगर 25 है, हाँ जी 25 में टॉरस आ रहा है सर, सॉरी सैटर्न, टॉरस 3 डिग्री, हाँ जी टॉरस, ठीक है। तो ये 5th हाउस है और 26 या 125 है, तो ये 6 है, 6, 7, 8, 9, तो ये 10 जाएगा, तो 10 जाएगा, डिपेंड तो सीट पे करेगा ना भाई, ठीक है ना। तो ये हम उससे घुमा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पैसा जरूर लेना, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपका कोई हो, और अब पेश करो, चाहे हम खुद ही कर रहे हो, खुद ही कर रहे हैं, हम 100 रुपए भैया जमा कराएंगे, जो आपकी इच्छा करे वो कंफर्ट। अपने से भी लेंगे, अपने से पूछेंगे तो अपना एसेंट लेंगे, अगर सपोज अपने हस्बैंड का पूछो तो 7 से घुमाओगे ना, मेरे हस्बैंड को आओ ये वाली पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो आप जो है 100 रुपए निकालो, पहले मंदिर में रख के आओ, फिर उसके बाद सीढ़ लेकर तो फिर वापस पर्स में मत रखो, बता लीजिए जाएगा, तो भी 100 रुपए रखो सर। बैक स्टैबिंग क्या कॉम्बिनेशन है, बैक स्टैबिंग के कॉम्बिनेशन क्या है, क्वेश्चन क्या नहीं, बैक स्टैबिंग के कॉम्बिनेशन को होता है सर, क्वेश्चन क्या, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे मेरा कोई फ्रेंड मुझे बैक स्टैब कर रहा है, ये क्वेश्चन, हेलो क्या सवाल है, मेरा कोई फ्रेंड मुझे बैक स्टैब कर रहा है, विल ही सक्सीड और नॉट। हाँ तो बस ठीक है, आपने अपने असेंडेंट से देखना है, आपके अच्छे आपको आपको तो मेन है कि मेरा नुकसान ये हो, ये आदमी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो अगर आप स्पीड पर नहीं आ रहे तो बैक स्टैब कर, इसका बेनिफिट मतलब नुकसान नहीं हो रहा, अगर आपके 6-8 12 हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपको नुकसान आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन आप उससे रिकवर करो, प्रॉब्लम थैंक यू। तो अब नेक्स्ट टाइम करेंगे, ललित जी आपका सवाल बाद में ले लूंगा मैं, प्लीज सर लास्ट क्लास का लिंक नहीं भेजा सर आपने, वीडियो का भेज दूं, ठीक है, थैंक यू सर।